हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस 3 दिवसीय, इसका थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा 3 दिवसीय जो ये सत्र हमने रखा है, इसका मूल उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? गीता का उद्देश्य क्या है बताइए, जो बताएगा उसको 100 रुपये मिलेगा। बताइए गीता का उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है फिलहाल। नहीं, वो तो कर्मों का फल है, वो तो होता ही है, आप नहीं बोलेंगे तो भी होगा। लेकिन गीता का और भी कोई मुख्य उद्देश्य है इसके अलावा, इसके थोड़ा ऊपर। अगर जो हो रहा है वो अच्छा ही था तो भगवान अर्जुन को लड़ने बोलते ही नहीं, बोले छोड़ दो, जाओ घर जाओ, चलो निकलो। अर्जुन तो बोल ही दिए थे कि मैं संन्यास लेकर ले लेता हूँ और मुझे कोई लड़ाई करना नहीं है। अर्जुन को ही ना लड़ना था, इसलिए तो भगवान आए। और जब आए तो अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान बोलते ठीक है जाओ घर। तो क्यों बोले भगवान ना 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 लड़ो? मुख्य उद्देश्य बताइए, एक दो शब्दों में है बताइए, प्रयत्न करिए। चलिए ठीक है, नहीं मालूम है तो हम लोग अध्याय में जाके समझेंगे। तो ये 15वां अध्याय जो है, देखिए भगवान कह रहे थे अर्जुन को कि तुम्हारा लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हारा कर्म भी है और ये मेरा आदेश भी है। तो कर्म भी हो गया, कर्तव्य भी पूरा हो गया और भक्ति भी हो गई क्योंकि भगवान का आदेश है। इसको नीचे रख दो, हिलेगा तो मैं दिखा देगा, और इसका जरूरत नहीं है, वैसे क्यों ठंडा पानी है, नीचे रख दीजिए। तो ठीक है ठीक है, तो अभी 15वां अध्याय हम लोग अभी आज चालू करेंगे। ये हम पहले आपको 6 अध्याय 12 तक ले आता हूँ 2 मिनट में, फिर 13वां 14वां थोड़े में बता के फिर 15वें में जाएंगे, ठीक है ना? नहीं तो 15वां डायरेक्ट आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई जैसा हो जाएगा। तो पहले 6 अध्याय को कर्मयोग कहा गया, क्या कहा गया है? कर्मयोग। और अंतिम 6 अध्यायों को ज्ञान योग, बीच के 6 अध्यायों को भक्ति योग। सैंडविच होता है ना सैंडविच, तो सैंडविच में बीच में क्या होता है, असली माल कहाँ होता है? बीच में। ऊपर में तो सिर्फ थोड़ा सा वो लगा देते हैं ब्रेड, जाम, ब्रेड जैम होता है, तो बीच में जैम होता है। वैसे भगवान ने क्या किया, जैसे नारियल का पानी कहाँ होता है, बाहर होता है कि अंदर होता है? वो जो कटहल देखे, कटहल, कटहल का जो फल होता है बाहर होता है कि अंदर होता है? आम का जो असली गुद्दा होता है वो अंदर होता है कि बाहर होता है? कभी ऐसा कोई आम देखा है जिसका छिलका अंदर और गुद्दा बाहर? तो भगवान इस सृष्टि को ऐसे करते हैं कि जो मूल्यवान चीज है उसको कवर करके रखते हैं। वैसे ही गीता का जो मूल है भक्ति योग, उसको बीच में रख दिया और पीछे ज्ञान और कर्म का सैंडविच का वो लगा दिए ब्रेड, तो कोई चबाते चबाते ब्रेड में ही अटक जाता है। लेकिन भगवान भक्ति योग कहते हैं, लेकिन उस भक्ति योग की पूरी तरह पुष्टि करने के लिए जो ज्ञान है वो अगले 6 अध्याय में है, इसलिए वो ज्ञान भी भक्ति ही है, वहां भगवान बात कर रहे हैं इसलिए। तो आप सबसे एक सवाल है मुझे, ठीक है, जो जवाब देगा उसको हम 100 रुपये देंगे, वो दूसरे वाले पॉकेट में है। तो वो 100 क्या है ना, आजकल आप किसी को फ्री बोलिए ना तो ध्यान नहीं जाता, 100 रुपये बोलिए क्या क्या है, 100 रुपये में क्या है, वैसा वाला। एक बार एक आदमी था कॉन्ट्रैक्टर, वो ऊपर बिल्डिंग में फंस गया। कहाँ फंस गया? 10वें माले पे फंस गया। आ कुछ मशीन ऊपर नीचे जाता है ना, वो बंद हो गया और वर्कर लोग नीचे खा रहे थे, तो ये आवाज दे रहा था, अरे ये मण्या। लेकिन मण्या देख ही कहाँ रहा है, तो उसने क्या किया, ये सोचा कि कैसे देखेगा, तो 2000 का नोट लेके फेंक दिया, 10 रुपए का नोट फेंका, वो ले लिया 10 रुपए का नोट, पॉकेट में रख लिया, ऊपर देखा नहीं। बाद में बोले कैसा आदमी है, बोला हो सकता है 10 रुपए कम है, 20 का नोट फेंका, फिर भी नहीं देख रहा, पॉकेट में डाल रहे, देख नहीं रहे ऊपर। उसका इच्छा क्या था, एक बार देख भाई ऊपर मेरे को बचाओ, आवाज दे रहे सुन नहीं रहे। 100 का नोट डाला नहीं देखा, 500 का डाला नया वाला, फिर भी नहीं देखा, 2000 का डाला लास्ट में।
ये वो भी ले लिया। जर कैसा आदमी है, अभी तक पूरा पैसा ले लिया, एक बार भी ऊपर नहीं देख रहा है, तो इतना बड़ा पत्थर उठाया और फिर फेंका। इसको लग रहा कौन है रे, तुझे कौन है? तो हम भी क्या करते हैं, भगवान हमको बहुत कुछ देते हैं, दो आंख दिए है, कान दिए सुनने के लिए, नाक दिए सुनने के लिए, खाने के लिए सब दिया, ताकत दिया, हम बॉडी बिल्डिंग करके छाती फूका के घूमते हैं, स्त्रियों को सौंदर्य दिया तो एकदम। लेकिन एक बार भी हम भगवान के पास जाके नहीं बोलते भगवान थैंक यू, ये सब तुम्हारा है। तो भगवान बोलते कैसा, इसको सब दिया लेकिन पीछे पलट के एक बार भी नहीं देखा। तो भगवान क्या करते हैं, उसके जीवन में थोड़ा सा दुख डाल देते हैं। तो जब हमको दुख आता है ना, तो हम लोग बार बार पलट के देखते, 1000 दिया 2000 दिया, नको कौन दिया, मैं नहीं जानता कौन भगवान है, भगवान ना ना ना। साइंटिस्ट लोग देखो इतना दिमाग दिया साइंटिस्ट लोगों को, उनको इतना तो समझना चाहिए कि कोई भी चीज अचानक नहीं आता है। कोई भी चीज अचानक आया क्या आज का, आज तक कभी कोई ये प्रोजेक्टर अचानक आया? अरे मैं इधर बैठा, मैं भी अचानक थोड़ी आया, कोई फोन किया बुलाया रहेगा तब आया। आप लोग भी अचानक आ गए क्या? हम लोगों के एक ही मच्छर काटा था क्या कि इधर आके बैठ गए? अरे कोई फोन किया, ऑर्गेनाइज किया, व्हाट्सएप किया, तब जाके सब बैठे। तो कोई भी चीज जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो ये संसार भी अचानक कैसे आ जाएगा? एक बार एक साइंटिस्ट मुझे बोला, Well, I don't believe there's God, okay? मैं बोला जा रही है, मेरे मुंह मत लगने तो फूट जाएगा। तो मैंने फिर भी बोला, नहीं तू प्रूव करके दिखा। तो मैंने उसको एक ही बोला, तू साइंस से सब कुछ कर सकता है? बोले हाँ, आज साइंस सब कुछ कर सकता है। बोला एक काम कर, ऐसा मशीन बना कि एक साइड से घास डाला दूसरे साइड से दूध, बना के दिखा। तो चुप बैठ गया। भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया? एक साइड से घास खाता, दूसरे साइड से गाय दूध देती, गोबर भी मिलता है तो खेत में डालो तो और अच्छा धान उगता है। देखो भगवान का क्रिएशन देखो, पर हमारा क्रिएशन फैक्ट्री खोल दिया, यूरिया बनाया, उसको डाला तो धान भी कम हो जाता है, कीड़े तो मर जाते लेकिन धान भी खत्म हो जाता है। ये हमारा क्रिएशन है। भगवान का क्रिएशन देखो कैसा है, आंख है, आजकल वो जो हमारा कैमरा होता है ना F1 ओप्पो डोप्पो, ये लग 15 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का होता है। अब भगवान का जो है वो 5000 के ऊपर मेगापिक्सल का हमारा, हम दूर दूर तक देखते हैं, स्पेशली कोई कुछ करो तो बहुत ध्यान से देखते हैं। और हमारा मेमोरी भी है, सिर्फ देखते नहीं, हमारे मेमोरी में रहते हैं। अच्छा तो ऐसा बोला था, अंदर जाता है। तो ये हमारा मेमोरी है। हमारे मेमोरी जो है अपना जो चिप का मेमोरी है जो हम लोग बनाते हैं, वो कैसा रहता है? पेन ड्राइव में डालो, डेटा ट्रांसफर करो, वैसा का वैसा रहेगा। उस डेटा को दुख नहीं सुख नहीं, लेकिन आदमी को जो डेटा मिलता है उसमें दुख और सुख उसको याद रहता है कि बचपन में तुमने मुझे लड्डू खिलाया था, आप बहुत अच्छे हैं, और तू मेरा लड्डू चुराया था, तू थोड़ा देर रुक मैं तेरा लड्डू निकालूंगा, है ना? जैसा होता है ना, हम लोग घर में रहते तो झाड़ू मारते तो अपना कचरा लेके साइड वाले के दरवाजे पे डाल देते। साइड वाला तो रोज सुबह कचरा की तरफ से आता है, दूसरे देखता साइड वाली मेरे पे डालती, दुख बोले वो 3 घर का कचरा उसके घर पे डालती। तो हमारा मेमोरी क्या है, हमारा मेमोरी इमोशंस के साथ है। ये भगवान का क्रिएशन है। वही भगवान, वही पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उनके बारे में आज अभी भगवान अब बोलने वाले हैं। अर्जुन को कुछ सवाल है, उस सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, यहां पे आपको वो श्लोक नहीं दिखाई देगा लेकिन मेरे पीछे बोलिए। ये अध्याय जिस दिन आपको समझ जाएगा, और समझ जाएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं सिखा पाया तो मेरी कमी है। इतना सरल भगवान सीधे सीधे शब्दों में ऐसे चीजें बोल जाते हैं कि जो आप लाखों जन्म सोच के भी नहीं पा पाएंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवेत्।
तो ये देखिए कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं संस्कृत का क्लास शुरू करने से पहले। जो लोग चोर होते हैं ना, चोर झूठ बोलते हैं, वो नाक से बोलते हैं। लाइक कोई चोरी किया है ना तो आसान है पकड़ना, नाक से बोलना चालू करता है। ये कह रहे किधर गया था, हमने देखा है ना, वो कभी नहीं बोलेगा हाँ मैं इधर गया था ये काम था, ऐसे नहीं बोलेगा। मैं नाक से ना सागरी, वो चोर होता है डरपोक। और जो थोड़ा क्लियर होता है वो ओष्ट से बोलता है हाँ मैं गया था। और जो क्लियर रहता है वो कंठ से बोलता है हाँ मैं बाजार गया था और अभी भी लौटा हूँ, कोई कुछ और तुमको कोई दिक्कत, कंठ से बोलेगा। लेकिन जो सच्चाई से बोला है, सच्चाई से गया है, वो दिल से बोलेगा हाँ हाँ अरे मैं गया था, तुमको भी चलना है क्या, दिल से, दिल का दिल कनेक्शन। लेकिन जो करुणा में से बोलता है वो नाभि से बोलता है। जैसे किसी माँ का बच्चा गटर में गिर जाए, समझो चलते चलते बच्चा खेलते करके गिर गया, मगर देखा ना ऐसा, उस वो रहता है नाभि से चिल्लाती है, वो नाभि से चिल्लाती है ना, ऐसे बोलते क्या नहीं गिर जाओगे बाबू, ऐसे बोलती नहीं है वो, इधर नाभि से चिल्लाती है। तो ये जो वेद मंत्र है ना, ये सब भगवान की करुणा है, इसलिए इसको गाते वक्त ना नाक से मत गाइए, हाँ टकलू तो बोलते रहे हम तो पीटे है ही, ऐसा मत करो, कंठ से गाओ और नाभि से गाओ, मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। अब ये क्या कह रहे हैं भगवान, किस वृक्ष की बात कर रहे हैं? एक बरगद का पेड़ है, वो कैसा है, उल्टा है। कोई पेड़ ऐसा आपने देखा है, आप में से कितने ने उल्टा पेड़ देखा है, ऊपर में उसका रूट है और नीचे पत्तियां हैं, कितनों ने देखा है? 100 रुपए सच में दूंगा, आप सबने देखा है। अब मैं बोल रहा हूं आपको, आप सबने देखा है, अब सोचो आपने किधर देखा है। देखो जोरदार ताली मारो इसके लिए, लेकिन ये साउंड सिस्टम का भाड़े में कट कर देना, ठीक है ना? अरे भाई हमारा नेता मोदी है, थोड़ा बहुत हम भी सीख लिया कैसे एडजस्ट करने का, पैसा कैसे एडजस्ट करने थोड़ा सीख लिया। तो वो हम लोग कहां देखते हैं, वो परछाई देखा है पानी में, तो पानी में जो परछाई है तो कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। तो यहां पे ये परछाई वाली बात हो रही है कि असली पेड़ जो है वो कहीं और है, अगर उल्टा पेड़ हम हैं तो हमारा असली भी कहीं है। तो भगवान कहते हैं वो असली को खोजने का कोशिश करो, तो वो असली को खोजना है, समझो ये पेड़ है देखो ये भी वही है, अगर यहां पानी होता और इसका उल्टा आपको दिख रहा है और आप यहां है और आपको वो खोजना है तो कैसे खोजिएगा? हाँ ये मोटू को मालूम है, उसके पास जाना है तो आपको इसका वो खोजना पड़ेगा मूल, इसका और उसका मूल एक साथ मिलेगा, बराबर ना? ऐसा रहेगा ना, वो परछाई इधर रहेगा और ये यहां रहेगा। तो हम लोग इस जीवन में क्या करते हैं, हम लोग जीवन में क्या खोज रहे हैं, कौन बताएगा? सुख खोज रहे हैं, जोरदार तालियां दो इस बच्चे के लिए। हम लोग सुख खोज रहे हैं, जिसको सुख नहीं मिल रहा है वो दारू पी के ढूंढ रहा है, अब मैं सुखी। और एक देर बाबा उतरू लोगो, उसको मालूम है घर जाएगा बीबी ठोकेगी,
बीवी गाली देगी, वो बाहर ही बैठ रहे थे लोगो बाबा गरीब आओ दारू पी के सुखी रहो। अच्छा जिसको दारू नहीं पीना है वो डिप्रेशन में जाते हैं। अब औरतें हैं ना दारू नहीं पीती, जब उनको दुख होता है ना तो दुख दूर करने के लिए बहुत खाती है, फिर पेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ता है तो जूता खरीदते 250 रुपए का, वापिस जॉगिंग, सुबह जॉगिंग किया पेट कम हुआ वापिस ज्यादा खाते है ना। तो हम लोग क्या करते हैं दुख को दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सुख है क्या? सुख नहीं है। एक बार अलेक्जेंडर, ये कहानी मैंने बताया था कितने को मालूम है ये कहानी, लेकिन मैं यहां तो नहीं आया था। एक बार अलेक्जेंडर, आप लोग अलेक्जेंडर को जानते हैं ना, सिकंदर जो आया था पूरे भारत को जीतने के लिए, और पूरा विश्व जीत चुका था, भारत बचा था। भारत को जीतना इतना आसान नहीं है, यहाँ हर 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है। कोंकण में एक भाषा है, घाट पे जाओ अलग भाषा है, कोंकण करोला कुड़ी क्या होता वहां, घाट पे जाएगा ओए कुड़ी लोत रे, कहीं भी जाइए यहां से फिर आगे जाइए नागपुरी खानदेशी एमपी में आपको बदल जाएगा, यूपी में जाइए भोजपुरी, थोड़ा अंदर जाइए बिहारी एकदम, और हम कह दिए ना तो हो जाएगा, और टेंशन का है उधर जाएगा, उधर से थोड़ा और जाएगा मैथिली मगही, ऐसे लैंग्वेजेस बदलते जाते हैं, कल्चर बदलते जाते हैं। तो भारत को काबू करना इतना आसान नहीं है, सभी पॉलिटिशियन एक हो गए फिर भी भारत जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये अलेक्जेंडर को ताकि भारत पूरा दुनिया जीत ही लिए, बस भारत बचा है, ये जीत लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो भी भारत था, वो दोनों राज्यों को अलेक्जेंडर जीत लिया भेद नीति से, जीत लिया, जीत लिया। तो वो क्या बोला, अब तुम दोनों मुझे मदद करो, मेरी आर्मी और तुम दोनों की आर्मी मिलके भारत पे कब्जा करेंगे। तो तभी सम्राट मगध का था पाटलिपुत्र, जो पटना कहते हैं अभी, तो आप तो जानते हैं बिहारी को जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बिहारियों को नहीं जीत सकते आप गलती से भी, वो आप में घुस के आप जीत जाएगा, उधर ही आपका नेतागिरी चालू कर देगा ऐसा है। एनीवेज तो पान खाका के बोला था हम बता रहे हैं करके, वो ऐसे कोई टेक्निक बना के पूरा जीत जाएगा। तो सोचिए उसका पूरा टीम जीतना कितना मुश्किल है। तो अलेक्जेंडर बोला कुछ भी हो मुझे जीतना है। तो इधर के लोग बोले देखो ऐसा है, एक हाथी के नीचे 100 घोड़े रहते हैं, एक घोड़े के नीचे 1000 पैदल चलने वाले लोग रहते हैं, और जितने हमारे पास पैदल चलने वाले लोग हैं उतने हाथी केवल मगध में है, तो सोच लो नहीं जीत सकते। तो बोला नहीं एक काम करो, ये दोनों राज्यों में जितने भी औरतें हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी लड़ाई नहीं करते इन सबको भी शामिल कर लो। आदेश आ गया, सभी लोग ट्रेनिंग में लग गए, लेकिन सब लोग तो है ही हैं, लेकिन साधु को किससे क्या लेना देना। तो एक साधु थे और पेड़ के नीचे बैठे थे आराम से रिलैक्स। देखिए साधु लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते, आराम पे टाइम से प्रसाद खाते, कथा करके दक्षिणा लेके निकल जाते, मजाक कर रहा हूं। तो साधु का कर्तव्य है सबको ज्ञान देना और समाज को व्यवस्थित रखना। तो ये साधु एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, शायद ध्यान लगा रहे होंगे या जो भी। तो वहां से अलेक्जेंडर का घोड़ा निकला, वो बोले उसको आराम से बैठ के देख, उसका जल गया। होता है कभी कभी, हम लोग हरे कृष्ण भक्त कभी कभी देखिएगा, हरे कृष्ण भक्त तिलक लगाता है, कंठी माला पहनता है, बहुत सुंदर दिखने लगता है, बाकी लोग जलते हैं। वो पूछते ऐसा तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग इतना खुश रहते हो, हमारे भक्तों को सब पूछते हैं, नहीं नहीं तुम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, खुश रहते हैं तुम लोग, जब देखते हरे कृष्ण ड्यूटी हरी बोल, जिधर भी है ट्रेन में लोकल में हरी बोल आपने कभी हरे कृष्ण भक्त को दुखी देखा है, ऐसा मुंह लटका हो हरे कृष्ण आज की ताजा खबरें, कभी नहीं। हमारा हरे कृष्ण ड्यूटी हरी बोल, जिधर भी चिल्लाएगा खुश है वो, क्यों खुश है उसका कारण है, हम लोग अंदर जाएंगे तभी समझेगा। तो यहां पे अलेक्जेंडर ने देखा उसको कि साधु सोए है, उसको इतना गुस्सा है, लात मारा साधु को, बोला रे कौन है ये, बोलते जानते है तुम मैं कौन हूं, बोलते तुम नहीं जानते, बोलते मैं अलेक्जेंडर हूं और मैं सम्राट हूं और मैं भारत को जीतना चाहता हूं, और तू यहां क्या सो रहा है, बोले चलो और तैयारी में लगो।
तो साधु इसको क्या समझाएगा? साधु का भाषा ये मलेच्छे क्या समझेगा? तो साधु क्या बोले कि हमको एक बात बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है। आपने सुना लगता स्टोरी ना, पहले से ही हंस रहे हो। साधु पूछता है, एक काम करिए, आप अपना उद्देश्य बताइए क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। समझो जीत गए आप भारत, तो आप करोगे क्या? पूरा दुनिया तो जीत के आप वापिस दे दिए, फिर इंडिया जीत के वापिस दे दोगे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो कहता है मैं भारत जीतने के बाद पूरे दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा। तो बोले उसके बाद बोले मैं रोम में जाके उसको पूरे दुनिया का राजधानी बनाऊंगा। बोले उसके बाद बोले वहां झंडा फहराऊंगा और सब जगह मेरे झंडे होंगे। बोले उसके बाद बोले हर सिक्के में मेरा चेहरा होगा। उसके बाद बोले उसके बाद में मेरा बेटे को प्रशिक्षण दूंगा। उसके बाद उसको राजा घोषित कर दूंगा। उसके बाद उसका शादी करा दूंगा। उसके बाद बोले आराम से फिर कुर्सी पे बैठ के रिलैक्स करूंगा। तो बोले मैं क्या कर रहा था? साधु बोला तो इतना मगजमारी करके बैठेगा, मैं पहले ही बैठा था। तो हम लोग को क्या होता है, सुख चाहिए। जो सुख आराम से मिल सकता है ना, हम लोग को सर फोड़ फोड़ के लेने का आदत हो गया। मालूम है रविवार के दिन हर बंबई के आदमी को खुजली होती है। क्या खुजली होती है बताओ? एक चीज का दुख होता है हर बंबईया को, बताओ क्या? 200 रुपए दूंगा ओरिजिनल नोट। कौन बोला? माता जी कुछ तो बोली। क्या बोली? काम थोड़ा सा नजदीक है, रोज लोकल में धक्का मसाज होता है ना फ्री वाला, वो रविवार को होता नहीं। वो सोचते है आज किधर तो जाके आते। वो लोकल से इतना प्रेम हो जाता है, जब तक गाली नहीं खाता ना उसको लगता है मैं जी नहीं रहा हूं। तो हम सबको सर फोड़ने का आदत हो गया है, हम लोग सरल रास्ता नहीं सोचते। अब भगवान सरल कह रहे हैं, अब जो ज्ञान आएगा वो सरल है। तो अपना टेढ़ा दिमाग बंद कर दीजिए। क्या करिए? बंद कर दीजिए। हम लोग हमेशा टेढ़ा, टकले का कितना कमीशन है। ये कृष्णा का एजेंट है। तो टेढ़ा दिमाग बंद करो, सीधा कृष्ण का डेटा सुनो, ठीक है? तो जैसे ये भौतिक जगत है, तो जैसे पेड़ की परछाई है तो पेड़ भी है, वैसे ही अगर ये संसार उस पेड़ की तरह है तो ओरिजिनल संसार भी कहीं पे है। पानी की परछाई हिलते रहती है, ओरिजिनल पेड़ नहीं हिलता। आप बात समझ रहे हैं? तो ये संसार में हमारा जो शरीर है वो बदलते रहता है। बचपन में इतना था, फिर इतना हो गया, फिर मुच्छे आ गई, फिर दाढ़ी, फिर बाइको पोर, और फिर क्या हुआ? मैं बोला रहा हूं। तो फिर धीरे 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 आदमी बुढ़ा हो जाता है करके फिर वो जीवन चालू कर देता है जीना, और फिर अपने अंत समय का इंतजार करके आगे बढ़ता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान के। अरे इधर इतना बड़ा हार मेरे को, पहले मेरा गला नीचे हो गया, वो तो ठाकुर जी का तो। हाँ कोई बात नहीं, भगवान बहुत प्रसन्न है, वो आपके पास आना ही चाहते थे लेकिन हमने रोक लिया। उसको खिला मार देना पीछे। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम एक साइकिल में जी रहे हैं। जैसे लहर आती है जाती है, वैसे हमारा जीवन कैसे है? क्षणभंगुर है। ये जीवन मिला, इसमें हमने स्नेह संबंध बनाए, दुख सुख हुआ, अगला लहर, अगला जन्म। हम में से किसको पिछला जन्म याद है? क्या नहीं है? तो ये इस संसार का नियम है। वैसे ये एक शाश्वत जगत है जिसका भगवान यहां बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं अर्जुन जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तो एक एक श्लोक हम लोग देखते हैं आगे, आज 2 या 3 श्लोक करेंगे, कल बचे हुए श्लोक करेंगे। वो कह रहे हैं मैं सुख गाऊंगा। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसूत्रास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर, शाखाएं कहाँ हैं? ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं।
इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं और इस वृक्ष के जड़े नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज में के सकाम कर्मों में बंधी हुई है। आप समझ रहे हैं, ये टहनियां मुक्त हैं लेकिन वहां की टहनियां बंधी हुई हैं। हम लोग एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। माँ एक गुलाब जामुन बनाती घर पे, बोला गिट्स का गुलाब जामुन बनाते, तो पहला गुलाब जामुन किसको खिलाते, किसको खिलाते, वो तो भक्त लोग खिलाते, नॉर्मल लोग किसको खिलाते पहले गुलाब जामुन, पहले खुद खाते फिर अपने बच्चे को देते, और बच्चे को देके बोलते सुन तेरे दोस्तों को मत देना। हम लोग इतने स्वार्थी है, मेरे लिए, ये मेरा है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वायर लगा हुआ है वो भगवान ने लगाया कि आपने लगाया, भगवान ने लगाया कि आपने लगाया, हमने बीच में वायर लगाया, एक दूसरे को गोली चलाना चालू किया। बिहार और महाराष्ट्र के बीच में वायर किसने लगाया, हमने लगाया, भगवान ने नहीं लगाया। महाराष्ट्र में भी, विदर्भ और मराठवाड़ा में वायर किसने लगाया, मानसिक वायर की बात कर रहा हूं अभी मैं, हमने लगाया। तो हम लोग केवल तोड़ते जा रहे, तोड़ते जा रहे स्वार्थ के लिए, ये मेरा है, ये मेरा है, और इस स्वार्थ में हम खुद फंसे जा रहे हैं। वो मकड़ी का जाल देखा है ना आपने, वो जाल रहता है उसमें जो ही वो मक्खी बैठ जाती है तो क्या होता है, चिपक जाते है, चिपक ऐसे एक दूसरा हाथ डाल चिपक पड़ 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 चिपक मुड़ 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 करके फाट, और लास्ट में ऐसा मर जाता है वो मक्खी, क्या हो जाता है, मर जाता है। वैसे हम लोगों क्या करते हैं, पूरी दुनिया में पैदा होते तभी कोई लाइन था नहीं था, अरे हमारा नाम भी नहीं था। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, कहां गए, एक को पकड़ना पड़ेगा इधर, अरे ये 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 देखिए ये इधर शर्ट वाला, इधर आ, इधर आ जल्दी ऊपर आ, इसके लिए तालियां दो, बहुत हिम्मत जुटा के आ रहा है, इधर आ, ये ना ये तेरा नाम क्या है, ईश्वर, माइक पे बोल, ईश्वर, तू ईश्वर नहीं है, तेरा नाम ईश्वर, तो तू ईश्वर है कि नहीं है, इंसान है, इंसान है तो ईश्वर नहीं है, नहीं नहीं ईश्वर मतलब नाम का बात कर रहा हूँ, इसका नाम ही ऐसा है कि मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर मतलब नाम की बात कर रहा हूं। तो जब ये पैदा हुआ था तो ये था कि नहीं था, अरे जब ये पैदा हुआ मम्मी के पेट से तो था कि नहीं था, ये था ना, तो इसका नाम था कि नहीं था जी, तो ये ईश्वर है कि नहीं है। जब से ईश्वर बोले खुद का पाँव छू रहे हो तब से, वो जब को ईश्वर हो गया करके खुद का ही पाँव छू, तो ये ईश्वर नाम, ये ईश्वर जो है वो ईश्वर है कि नहीं है, अरे जब पैदा हुआ तो ये था कि नहीं था, तब ये ईश्वर था क्या, ये 21 दिन का हो गया तो लोग पुकारने लगे, वो हिलाते हिलाते ईश्वर, ये अपना इसको पता ही नहीं किससे बात हो रहा है, फिर ये जाने लगा खेलने लगा, ईश्वर गिर जाएगा, ईश्वर ईश्वर कर रहे, बोलते बार बार मैं कुछ भी करता हूँ ईश्वर सुनाई देता है, लगता मैं ईश्वर हूं, आप समझे, बैठ जाओ। तो हमारा नाम भी हमारा नहीं है, 10 बार बदल जाता है। अब लड़की होगी तो शादी से पहले कोई और सरनेम रहता है, शादी के बाद दूसरा सरनेम, इसलिए उनके दो दो आधार कार्ड रहते हैं। इसलिए आपको समझा वोटिंग इतना इतना रेशियो में वोटिंग कैसे बढ़ता है, अम्मा जाके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मत देती, उधर भी मत देती है, दो दो आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड लेके। एनीवेज, तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं कि इस बंधन के चक्कर में अर्जुन सब फंसे हैं, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोग भगवान को जानते हैं, इधर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक तक भगवान को मानता है, लेकिन वो डरता है कि मान लूंगा तो मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, इसलिए उसने आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो फिर वो क्या बोलता है कि हम भगवान से नहीं आए, हम लोग कहां से आए, बंदर से आए,
हम में से कोई बंदर से आया, आपका कोई किसी का पप्पा बंदर, चलो दादा किसी का दादा बंदर, अरे परदादा बंदर। बड़े बड़े राजघराने होते हैं तो उधर जो राजा लोग होते हैं उनका फोटो होता है, देखा ना आपने, मान सिंह, दान सिंह, भान सिंह, सब सिंह 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 रहते, पीछे लास्ट में बंदर रहता क्या? ये ओरिजिनल था, इधर से हम लोग आए करके। तो भगवान को नहीं हटाना है दूर तो कुछ नया लेके आओ। पर हमारा इंडियन स्कूल पढ़ा दो, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वी कैम फ्रॉम मंकीज, वी कैम फ्रॉम मंकीज, चार मार्क, चार मार्क के लिए हम अपने आपको बंदर, अपने बंदर को अपना बाप बना दिए। तो दुख का बात यह है हम लोग भवबंधन में फंसे हुए हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं और ज्ञान की तरफ जाना नहीं चाहते। आप समझ रहे बात को? तो यहां पे एक चीज समझना होगा हमें कि हम लोग इस जगत के नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे जगत से हैं जो शाश्वत जगत है, उसको अगले आगे आगे भगवान बोलने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है वो ऐसा है कि वहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं है। यहाँ पे दुख है ना, इस संसार को दुखालय कहा गया है। आप कितना भी सुख खोजिए नहीं मिलेगा, कितना भी सुख खोजिए नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। इसलिए देखिए कोई भी कितना भी किसी को, कभी कभी गरीब, कोई गरीब होता है ना उसको लगता है बस एक बार मेरे को लॉटरी लग गया फिर मैं देख क्या करता है, मैं प्रधानमंत्री बन गया ना सब रोड चकाचक कर देगा, नोट कहां से लाएगा, तुझे भी नोट चेंज करना पड़ेगा तब तेरा नोट बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बनना आसान है, वो तो राहुल गांधी भी बन सकते हैं, उसके बनने के बाद तो मुझे बहुत आशा हो गई कि मैं भी बन सकता हूं। मेरा आशा होप्स बढ़ गए, वो मेरा प्रेरणा हो गया है कि अगर इतना वो भी जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं। तो प्रधानमंत्री बनना आसान है, हमारे उसके सपने देखने आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, अनेक अनेक कठिनाइयां आती हैं। तो हम लोग संसार में सुख तो खोजते हैं लेकिन सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि केवल वहां बंधन है, कर्म का भी बंधन है, आत्मा का स्नेह का बंधन है, एक दूसरे से लगाओ। जब कोई बच्चा होता है तो हमारा बच्चा हमको कैसा भी रहेगा तो प्यारा लगता है, देखा आपने, वो ऐसा उसका बाल झेंगे पोंगे रहेगा तो भी लु लु लु। उसके नाक से पानी भी आ रहा है तो मम्मी को लगता है अमृत आ रहा है, पोंछ के निकालते हैं उसको आराम से। इस संसार का एक समस्या क्या है कि हम लोग जो दिव्य है उसको भौतिक बना दिया है और जो भौतिक है उसको दिव्य बना दिया है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और उसका रुमाल गिर जाए, वो लड़का लेता है, ओह तेरी यादें आती हैं, और डाल लेगा पॉकेट में, रखेगा, रोज सुबह देखेगा। अब उस लड़की को मालूम है उसने उस रुमाल के साथ क्या किया है, लेकिन इसको लगता है दिव्य, मेरी गर्लफ्रेंड की ये यादें। उस लड़की का एक बाल गिर जाएगा तो लेके किताब में ऐसा रखेगा, और वही उसके माँ का बाल जब गाजर के हलवे में गिरेगा बोलता अरे मम्मी तू पागल है क्या, थोड़ा संभाल के खाना बनाना। मम्मी बोलती तेरे बेटा तेरा बाप जवानी में मेरा भी बाल संभाला था, तू ये बाल से मेरे को, वो ऐसा बोल रहा है। तो हमारा क्या स्वभाव है, जो दिव्य नहीं है उसको दिव्य बना दिया, और जो दिव्य है भगवान के चरण से फूल हो चरणामृत हो बोलते रहने रहे ओके चलते रहे। हम लोग भगवान को प्रणाम भी कैसे करते हैं, ये गणपति हनुमान जी, आ लड़की आती तो हमारा मन ऐसा है धर्म को अधर्म कर देगा और अधर्म को धर्म बना देगा। असली में जब हम किसी अमीर आदमी को देख के अमीर बनना चाहते हैं, किसी सौंदर्य स्त्री को देख के उसको अपना बनाना चाहते हैं, या किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देख के उसे अपना बनाना चाहते हैं, ये सब गलत नहीं है, क्योंकि
वो भगवान की विभूति वहां उपस्थित है। सबसे सुंदर कौन है? भगवान है, और उनकी सुंदरता हम सब में आई हुई है। इसलिए जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर को सौंदर्य है। एक बार आत्मा गायब, शरीर बदबू मारने लगता है। आपने कभी देखा है कोई डेड बॉडी को पप्पी लेते हुए? ए मेरे जान, कभी देखा है ऐसा कोई मुर्दा गिरा है आलू कोई आके पप्पी ले रहे? कभी नहीं, फोटो तक नहीं लेते लोग, डरते हैं। अरे फोटो ले लिया फिर कैमरे से भूत बन के आ गया तो लोग डरते हैं। मरने के बाद सब रोते हैं, क्या किया था? 8 घंटा होने के बाद बोलते हैं ले जाइए अब इसको, बास ना मार रहा है। तो किसी को आपसे प्रेम नहीं है, सबको आत्मा से ही प्रेम है। आप समझ रहे बात को? तो असली शक्ति कौन है और वो आत्मा किसका अंश है? इसलिए वो ताकतवर है। बात समझिए, तो आत्मा जब शक्ति है तो ये भौतिक जो प्रकृति है, जहां यह शब्द आया ना प्रकृति, बाकी बचा हुआ सब प्रकृति है, वो पानी की तरह है जो आपके परछाई को हिला रहा है। समझ में आया बात? थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझा रहा हूं, क्योंकि आगे के श्लोक बहुत आसान है। ये 2 श्लोक थोड़े मतलब टायर पंक्चर निकालने के बराबर है, वो बीच में पानी भुर भुर निकालने के देखना पड़ता है किधर है, कितना तक ऑडियंस को समझे समझना पड़ता है 2-3 बार। तो ये समझिए कि हम लोग भी जो ये प्रेम करते हैं या इस संसार में सुख खोज रहे हैं, गलत नहीं है। ये हमारा स्वभाव है कि हमें सुखी रहना चाहिए। आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, आनंद में रहने का स्वभाव ही आत्मा का स्वभाव है। परंतु हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसको पानी के अंदर ना सोना दिखा। अब आपको तो मालूम है पैसा सोना बोले तो एकदम डोले वटर जाते हैं। ऐसा बोलते हैं नोट का बंडल खोला तो मुर्दा भी मुंह खोल देगा। मनी इज स्वीटर देन हनी, है ना? तो अब वो पैसा वो सोना देख के इसका मन ललचा गया, अब ये चुपचाप बैठा है। क्योंकि कैसा है, जितनों को बताएगा तो मांडोली करना पड़ेगा ना, डिवाइड कर करके 5% 10%। तो बोला नको अकेला जय महाराष्ट्र बैठा वो। आज चुपचाप देखा, ऐसा थोड़ा कपड़ा वपड़ा खोला, बरमुड़ा पहना, ऐसा ये धुआ अंदर मारा, इधर लगाया, सोना नहीं मिला। बोलते अरे ये भारत है। बोलता रुक जा, पानी सेटल हो गया। उसको वापस ठीक से देखा, हाँ उधर है। फिर गया और वो ऐसा वाला मारते ना ऐसा मछली ड्राइव मारा, ऐसा धाड़ करके इधर भी लग गया, लेकिन सोना नहीं मिला। तो एक साधु बेचारा जा रहा था, साधु लोग सबका कल्याण ही करते हैं, ठीक है ना? अब आजकल कुछ फ्रॉड आ गए हैं उनको डंडे से मारना चाहिए। एक आध मिलेगा तो मेरे को बता ना, मैं भी मारने आऊँगा। बहुत हमारा मार्केट डाउन कर रहे ओरिजिनल वालों का। तो अच्छा साधु था, वो आया, वो बोला क्या हुआ बेटा, तुम तो पूरा खून वून से लथपथ हो गए हो, क्या हुआ? तो बोलता, उसको भी साधु पे भरोसा था, बोला साधु जी देखिए आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब समझते हैं, ऐसा करिए जो भी मैं दूंगा उसका 50-50 करेंगे, ठीक है ना? मैं ईमानदारी से दूंगा, पर मेरे को हेल्प करिए। बोले क्या हुआ? बोले एक मिनट पानी शांत हो गया। पानी शांत हो गया, पानी शांत हुआ तो नीचे देखा सोना। तो बोला साधु ये सोना ढूंढ रहा हूँ, 2 बार गया, हाथ टूटा पांव टूटा सब टूट गया। बोलता अरे मूर्ख वो सोना उधर है ही नहीं, वो सोना पेड़ के ऊपर लटका, ये तो परछाई है। बोले क्या बाबा, पहला बताने का ना। हम लोग का क्या हो गया, हम लोग भी वही खोज रहे लेकिन गलत जगह पे खोज रहे। हम लोग भी किसी से संबंध जोड़ते हैं, प्यार करते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, और वो गुलाब के फूल को चटनी, फिर तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, और ऐसा रोते रहते हैं। हम लोग रोने में भी आनंद लेते हैं कि देखो मैं कितना दुखी हूं, मैंने सच्चा प्यार किया। अरे तू सच्चा प्यार कैसे कर सकता है, वो सच्चा है ही नहीं, वो व्यक्ति खुद सच्चा नहीं, तू कहां सच्चा हो गया? फूट का 10 रुपए का गुलाब तोड़ के ले गया, है ना? लेकिन वही गुलाब अगर हम भगवान के चरणों में डाल देंगे तो कितना बड़ा चीज है वो शाश्वत चीज है, वो अशाश्वत है। बात समझिए, एक बार एक व्यक्ति था,
उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी नदी के उस पार, रोज मिलने जाता था, जवान था, लड्डू फूट रहे होंगे। गया, जब गया तो एक दिन गुलाब का फूल लेके गया, गुलाब का फूल लेके गया और नदी पार कर रहा था, और उस दिन लगता है डैम का पानी छोड़ दिया था, तो पानी ऐसा आ रहा था, और जो नाव चलाने वाला था व्यक्ति, वो बोला सर तैरना आता है क्या? बोले नहीं। बोले सर 30 सेकेंड्स जितना भी भगवान है सबको याद करो। वो बोला अभी मरने ही वाले तो क्या करूँ क्या करूँ, हाथ में फूल था, तो ब्राह्मण का बेटा था तो इतना तो अक्ल था, उसने फूल फेंका हवा में, बोला गोविंद अर्पण मस्तु, कि आखिरी फूल है इतना तो मैं गोविंद को दे देता हूँ। गोविंद अर्पण तो मर गए, दोनों मर गए। इसको लेके आए नरक में, यमराज को सुना, यमराज देखो इसने ये पाप ये पाप ये पाप ये पाप सब किया, ये कुरला चेंबूर सब जगह इसका नाम है, ये पक्का येड़ा है, इसको ठोकना मांगता है। अच्छा पुण्य में क्या किया है? हाँ लास्ट में वो गोविंद के नाम पे फूल फेंका है, तो एक 30 सेकेंड्स का पुण्य भी है इसको। तो यमराज बोले देख बेटा ऐसा है, अब क्योंकि तूने 30 सेकेंड का पुण्य किया तो 30 सेकेंड जो है स्वर्ग में भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद तेरे को नरक में आके मार खाना पड़ेगा, और नहीं तो पहले नरक में मार खा के फिर 30 सेकेंड स्वर्ग चले जाना, दोनों में से क्या चाहिए? वो बोला ये 30 सेकेंड क्यों दे रहे मेरे को? बोले लास्ट में फूल फेंका ना। बोला ऐसा क्या? बोले काम करो 30 सेकेंड के लिए स्वर्ग में लेके जाओ, और मेरे को अप्सरा लोग का डांसिंग मत दिखाओ, मेरे को ऐसा जगह लेके जाओ जिधर गार्डन है। इसको लेके जाते गार्डन में, छोड़ते 30 सेकंड, ये जितना फूल है तोड़ के बोलता है गोविंदार्पण मस्तु गोविंदार्पण मस्तु गोविंदार्पण मस्तु कर करके बोलता है। तो बोलता है अरे अरे सर फोन करते अमराज वाले, इसका पुण्य बढ़ रहा है। बोले छोड़ दो उसको उधर ही भगवान, इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः, कि भगवान कहते हैं अरे तुम जो भी मुझे लाओ, पत्र फूल पुष्प कुछ भी लाओ, प्यार से लाओ, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। तो वहां पे ये जो हम लोग यहां भगवान को चढ़ाते हैं ना नैवेद्य, आप लोग घर पे चढ़ाते कि नहीं भगवान को? ठाकुर जी को भोग कौन कौन चढ़ाते घर पे? फूल फल या काजू बादाम, बाद में खुद खाते पता लगे, लेकिन पहले भोग चढ़ाते कि नहीं? बहुत लोग चढ़ाते, बहुत जोरदार तालियां। और जो लोग नहीं चढ़ा रहे आप लोग भगवान को चढ़ाइए, ये एक अलग साइंस है, क्योंकि यही असली शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत है। भगवान को भोग चढ़ाइए, जो खाते हैं भगवान को खिलाइए पहले। तो जो भी आप भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं वो कहां जाता है आप जानते हैं? वो कहां जाता है? कौन बोलेगा? वो सीधा भगवान के पास पहुंचता है, उनके ओरिजिनल वर्ल्ड में, जो यहां गोलोक लिखा है ना वहां पहुंचता है, ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंचता है उनके पास। ऐसा मत सोचो कि हाँ को भी जल गया चलता रे खाना ठाकुर तुले घंटी लड्डू गोपाल टेंग नहीं नहीं ये गणपति बप्पा क्या है ना नारियल ओरिजिनल भी बोले सड़ा हुआ। गणपति बोलेगा बेटा तू रुक, तेरा रिजल्ट भी सड़ा हुआ लाता हूं। तो हम लोग देवी देवता या भगवान को जब कुछ अर्पण करते हैं तो कहां जाता है? सीधा उनके पास जाता है। अब आप बोलोगे कैसे? अरे इस दुनिया में अगर आप इधर बैठे और मेरा लैपटॉप चालू है और मेरा सीसीटीवी कैमरा, मेरा अमेरिका में मेरा दुकान है वहां कैमरा है, और कोई वहां से बोल रहा है सर हैप्पी बर्थडे, तो मेरे को यहां दिखाएगा देगा नहीं देगा? जब हमारे जैसे फटीचर लोग ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, वो लोग तो देवता गण है, जब चाहिए तब उतर जाएंगे। और ऐसा ए गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसको ठीक करो यार ठीक करो। कौन है? तो ये तुम जाओ ना, कोई तो अच्छा हो जाओ, कोई जाओ उसको अच्छे से करो। भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए कि नाराज हो गए समझ में नहीं आ रहा है। भगवान भी उत्साह में है, ऐसा कहते विठ्ठल भगवान, उनके सामने जब आप कीर्तन करते तो विठ्ठल जी नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो अभी तो मुझे क्लियर नहीं है, मेरे सीनियर्स को पूछना पड़ेगा एक्चुअली हुआ क्या। तो यहां पे भगवान को जब आप भोग लगाते तो कहां चले जाता है? सीधा भगवान के पास। क्योंकि एक बार अर्जुन ने जब देवता लोग चले गए थे युद्ध करने के लिए, तो देवता में और देवता के पक्ष से कुछ हंटर को क्या बोलते हैं शिकारी, एक शिकारी आके युद्ध करने लगा अर्जुन से, अर्जुन भी युद्ध करने लगे, सारे अस्त्र छोड़े, उन्होंने भी सारे अस्त्र छोड़े, न ये घायल हुए न वो घायल हुए, ऐसा चलते रहा
चलते रहा तो अर्जुन बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे जैसे योद्धा तो 10 मिनट में सबको पराभूत कर देता है। तो बोले ये जरूर कोई बड़े देवता हैं। तो उन्होंने शिवलिंग बनाया और शिवलिंग में जल लेके ढार दिया और बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो यहाँ जल और पुष्प ढार रहे थे तो वहां वो शिकारी के ऊपर जल जा रहा था, तो बोले हे महादेव आप कैसे हैं? तो बोले तुम पकड़ लिए, यहाँ जल ढारा और वहां कहाँ पहुंच गया? ओरिजिनल शिवजी के पास। वो शिवजी थे जो शिकारी का रूप लेके आए थे, तभी उन्हें पशुपति अस्त्र उनको दिया था अर्जुन को। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ जो हम भक्ति कर रहे हैं वो नाटक नहीं है, आप साक्षात भगवान से बात करते हैं। हम लोग जब मूर्ति पूजा करते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं अरे मूर्ति है वो मच्छर नहीं भगा सकते, तेरा क्या इच्छा पूरा करेंगे, लोग बोलते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं। लेकिन मूर्ति में साक्षात भगवान वास करते हैं। कैसे? जैसे नॉर्मल वायर है, एक वायर का टुकड़ा यहां गिरा है तो वायर का टुकड़ा है, लेकिन वही वायर का टुकड़ा सॉकेट में लगा दो तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? वो वायर का टुकड़ा अलग गिर रहा है नो प्रॉब्लम, वो वायर का टुकड़ा अंदर घुस गया तो ऐसे बाल खड़े हो जाएंगे। अब मेरा तो है नहीं, शीका खड़ा हो जाएगा। अब बात समझ रहे ना? तो वैसे ही पत्थर लगा दिया तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन जब आप प्राण प्रतिष्ठा करके उनको आह्वान कर दे कृपया करके आप आइए और मेरा सेवा स्वीकार करिए, तब भगवान आते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, अरे बीरबल ये तुम्हारे धर्म में क्या है ये मूर्ति पूजा, भगवान पत्थर में भगवान कैसे आ सकते हैं, क्यों आते हैं भगवान, क्या जरूरत है? तो बीरबल चाणा था, बीरबल बोला बादशाह वक्त आने पर आपको जवाब दूंगा। ठीक है बोले। एक दिन बादशाह यमुना सैर कर रहे थे तो उनका छोटा बच्चा वो भी उधर नाव में था। बीरबल ने बोला आओ बच्चा इधर आओ इधर आओ, कैसा है कैसे, उसको सामने अपने पास लाया। आज चार गार्ड तलवार लेके खड़े थे राजा के संरक्षण के लिए और बच्चे के संरक्षण के लिए। इधर बीरबल ने क्या किया, बच्चे को धक्का दिया, बच्चा पानी है अब्बा अब्बा कर रहा है। इधर अकबर ने कुछ सोचा नहीं, खुद डुबकी मारा, बच्चे को निकाला ऊपर, बोला गुस्ताख बीरबल तूने क्या किया मेरे बच्चे को, जान ले रहे तुम? तो बोले एक मिनट, बोले ये बताओ चार गार्ड दे, तुम सिर्फ ऐसा करते वो चारों प्राण दे के तुम्हारे बच्चे को बचा लेते, तुमने क्यों जम मारा? बोले मेरा बेटा है। बोले इसलिए भगवान मूर्ति में भी आ जाते हैं, क्योंकि यहां जो सेवा देने के लिए बैठा है वो भी उसी का बेटा है। इसलिए वैदिक प्रथा में भगवान को आह्वान करके बुलाने की पद्धति है, कृपया करके आइए, हे लड्डू गोपाल मेरे घर में विराजमान हुई है, हे राधा कृष्ण आइए मुझे सेवा का मौका दीजिए, हे सीताराम लक्ष्मण कृपया करके मेरा सेवा स्वीकार करिए, ये भाव है। ये भाव जब हम करेंगे तो इस जगत में रहते हुए भी उस ओरिजिनल जगत से हमारा नाता जुड़ जाएगा। बात समझ गए? तो ये वो चीज है। और वहां जैसे वैकुंठ लोक है तो उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूछ लिया था, उल्टा पेड़ वो परछाई में दिखता है, दिख रहा ना आपको उल्टा पेड़ परछाई में, और ये गोलोक वृंदावन है जहां स्वयं राधा और कृष्ण विराजमान है अपने सारे भक्तों के साथ। देखिए यहां हम इस जगत में है ना तो हमारा बहुत द्वेष क्रोध काम ये सब रहता है, हम क्रोध करते हैं लोगों पे, क्यों करते हैं कोई बता सकता है? हम लोग बहुत क्रोध करते हैं, बॉस आपको डांटता है, वो जाके अपनी बीबी को डांटता है, बीबी बच्चे बड़े बेटे को थप्पड़ लगाती, बड़ा बेटा बहन को जाके थप्पड़ लगाता है, बहन जाके वो बिल्ली को लत मारती है, बिल्ली जाके वो चूहे को खाता है, आज चूहा वहीं कहीं देर ऐसे पानी में टट्टी कर देता है, फिर आपको पूरा टाकी साफ करना पड़ता है, वो घुमा फिर के आपका कर्म आपको आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आप में से कौन बताएगा, जब गुस्सा आता है तो हम जोर से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जैसे किसी पे गुस्सा आता है, हाँ जैसे माताओं को गुस्सा आता है तो दे मारूंगी, या कोई आदमी को गुस्सा आता है बेटे पे पढ़ाई नहीं कर रहे तो बोले दिन भर काम करता हूं, चिल्लाता है, वो धीरे से भी बोल सकता है ना, हे नालायक पुत्र, लेकिन ऐसे नहीं बोलता, क्यों?
जोर से चिल्लाते पिताजी लोग। कभी देखा आपने कोई पिताजी बहुत प्यार से गाली देते हुए, हे मेरे नालायक पुत्र, तुम जैसा दुष्ट मर क्यों नहीं जाता, ऐसा कभी सुना है? मेले कुत्रिया चपली नहीं छानते तुला, पूरा इमोशंस के साथ चिल्लाते। क्यों हम चिल्लाते कब है, क्यों, कौन बताएगा? हाँ, इच्छा पूर्ति नहीं होती, हाँ, इसलिए चिल्लाते हैं। देखिए, जब कोई बहुत दूर भी है, कई बार आपने देखा है दो लवर्स होते हैं, ये एक एरिया में रहते हैं, वो दूसरे एरिया में, वो लड़की से वहाँ के ऐसे कर लेती है तो समझ जाते कि 6 बजे मिलना है, तो बोलने का भी बात नहीं है। ये आई लव यू बोलना मतलब प्रेम है ही नहीं। अगर कोई आपको आके आई लव यू बोल रहे ना, समझ लो प्रेम नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं। प्यार करने वाला आंखों से उसको समझ जाता है, अरे ये तो प्यार में गया, खलास। प्यार बोलने वाला चीज थोड़ी है, वो अंदर का चीज है, वो अभी वो अलग विषय है, वो हमारे 3 दिन में नहीं है, उसके लिए अलग विषय। तो यहाँ पे जब आपका प्यार बढ़ जाएगा तो आपका आवाज कम हो जाएगा, मन ही मन आप चीजें समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप जिससे सामने आपके कोई खड़ा है लेकिन आपका मन दूर हो गया तो आप चिल्ला के बोलते हैं। मन दूर हो गया ना, उस व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया, आपकी इच्छा के विपरीत कर दिया, तो आप क्या करते हैं, उसको चिल्लाते, क्योंकि उसके मन में जाना चाहिए वो। कल का तुला उद्या पासून अभ्यास कराइचो, बच्चा तो वो डेटा अंदर गया मन में, अब बाप खुश होता है, हाँ अभी डर गया बच्चा, नालायक रहते बोलता है बापू हो गया तेरा, अब टाइम खत्म। तो ये संसार है, यहाँ पे हम काम क्रोध द्वेष, हाँ किसी ने अच्छा साड़ी पहन ले तो हम बोलते हैं पति को जाके बोलते हैं, ए जी सुनिए, बोला क्या हुआ, देखिए अभी वो शादी है तो, बोले हाँ ठीक है तुझे क्या चाहिए, ना नहीं वो क्या है, बोलेगी नहीं कैसे, तो बोलते एक काम करो 10,000 रुपए ले तो वो जो खरीदना है खरीदो। फिर जाके उसको पूछेगी, अच्छा भाभी जी आपने ये कहाँ से लिया था, बोले वो पैंटलून से नहीं ऐसी वो जाके ले पैंटल, वो वाला साड़ी दिखा, बोला के पहन के दिखाई देखो। तो हम सबको अंदर से द्वेष रहता है, मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए, आगे कैसे चला गया, अरे मैं हम दोनों साथ में साइकिल में जाता, वो बाइक चला रहा है, रुक लोन लेगा लेकिन बाइक लेगा, तब तक वो कार ले लेता है, बोलता रुक वो भी लोन लेता है, मारुति 800 होगा तो क्या हुआ, कार ही होगा, कार लेके आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम द्वेष करना चालू कर देते हैं, ये हमारे दुख का, हमारी दुखद अवस्था है। इस संसार में हम केवल द्वेष करते हैं, लेकिन वैकुंठ में वैसा नहीं है। वैकुंठ का वर्णन आता है, कथा गानम नाट्यम गमन भी वंशी प्रिय सखी, वहां कहते हैं हर कोई गाता है नाचता है क्योंकि हर कोई सुखी होता है। जैसे आप सबको करोड़ों रुपए दे दिए गए तो आप देख दूसरे से लड़ाई करोगे क्या, अभी दुकान में जाते हो वो 100 रुपए का आइटम रहता है, वो बोलता है नहीं सर कम नहीं कर सकते, नहीं सर फिर देना पड़ता है, बोले क्या है यार तू कम नहीं कर रहे, लेकिन उसके पास भी करोड़ है, आपके पास भी करोड़ है, सब संपन्न है, तो कभी कोई मांगेगा, एक दूसरे का छीनेगा, और सेवा भाव में होगा तो उल्टा बोलेगा नहीं नहीं आप पहले, लेकिन यहाँ है कि मैं पहले, समझा क्या, चल पीछे। दर्शन में भी लोग जाते हैं भगवान को, दर्शन लाइन में जाते हैं, हट रहे भगवान सब पीछे हो जाओ, मैं भगवान का खास भक्त है क्या, हाँ मुन्ना हुआ है अवन पहला जाएगा, मैं पहला डिवोटी, बाकी सब टाइम पास के लिए आए, लेकिन भगवान पहले वाले को नहीं देखते, पीछे वाले को देखते। भगवान का रूल है दास दासानुदास, जो मेरे सेवकों का सेवक है उसको मैं देखता हूं। एक बार एक आचार्य थे, उनका नाम था कांचीपुरण, क्या नाम था, आप लोग तिरुपति बालाजी गए, तिरुपति वाला बालाजी नहीं गए तो कभी ले जाएंगे आपको, अचल गोविंद प्रभु ले जाएंगे, मतलब आप लोग भाड़ा निकलिएगा, बेचारा अचल गोविंद मेरे को लगता है इतना अमीर है नहीं तो उसका बीवी बच्चे उसको मारेंगे, बोलेंगे क्या हो गया। तो तिरुपति बालाजी के आगे कांची वरदराज स्वामी का मंदिर है, उसको बोलते हैं, एक मिनट
वरदराज स्वामी का जो मंदिर है उसको कांचीपुरम बोलते हैं, वहां साड़ियां बहुत मिलती हैं। तो कांचीपुरम में वरदराज स्वामी है, उनका नाम है वरदराज, मतलब आपको वर देने वाले। उनके हाथ में लिखा है मां शुचि, चिंता मत करो, जो मांगोगे मिल जाएगा, इसलिए आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो वहां पे कांचीपूर्ण नामक एक आचार्य थे, कांचीपूर्ण नाम के आचार्य थे। एक मिनट बस, एक पाँव में ऐसे ऐसा करके उसको क्रैम्प आ गया। तो कांचीपूर्ण नाम के आचार्य थे, वो वरदराज जी का सेवा करते थे, विष्णु जी का। और उनको चंदन लगाना, उनको सजाना, सब उनको हार पहनाना, ये सब सेवा करते थे। और उनको गांव के लोग ना चंदन वंदन घिस के देते थे कि आप लगाइए, आप तो आप उनके पुजारी हैं, सब करते थे। तो और वो भगवान से बात भी करते थे और भगवान उनको बोलते थे, हाँ आज वैकुंठ में क्या क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने मेरे लिए क्या क्या बनाया है, बात करते थे। तो एक दिन गांव वाले बोले कि हम इतना सेवा करते भगवान का, क्या इस मृत्यु के बाद हमारा वैकुंठ गमन होगा, क्या हम उस ओरिजिनल जगत में जाएंगे? तो वरदराज बोले पूछता हूँ, और कांचीपूर्ण पूछे मैं पूछता हूँ स्वामी जी को, वरदराज जी को। वो जाके बोले भगवान एक सवाल है। अरे बोले पूछो ना, तुम तो रोज पूछते रहते हो, आज क्या इतना स्पेशल है? तो बोले गांव वाले ना सब आए थे, बोले क्या बोले वो पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग वैकुंठ जाएंगे, इस जन्म में मुक्ति होगी? तो बोले हाँ क्यों नहीं होगी, जाओ उनको बोलो कि उनका आखिरी जन्म है, मैं उनसे प्रसन्न हूँ, वो जैसे भी अपना सेवा चालू रखे और मैं उनको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो इन्होंने जाके बोला, गांव वाले इतने खुश हो गए, सबने फीस्ट मनाया। फीस्ट मतलब पूरा खीर पकौड़ा जिलेबी राइस पुलाव बिरयानी पनीर, आज शायद पनीर भी है। तो एक मिनट बस, एक्चुअली मैं मेरे को गद्दी पे बैठने का आदत नहीं है, गद्दी डाला है ना, और इसलिए उसमें पांव वो हो रहे हैं, वात शरीर है ना इसलिए। तो इसमें उन्होंने सब फीस्ट बनाया, गांव वालों ने पूरा फीस्ट खाया, और जब पूरा फीस्ट खा लिया तो एकदम सब सुखी थे, सब खुश हो गए। एक आदमी बस सुखी नहीं था, कौन कौन सुखी नहीं था? जो पुजारी है वो, क्योंकि सबका हो गया ना, उसका किधर हुआ? वो पुजारी गए, भगवान अरे एक चीज भूल गया पूछना। हाँ बोले पूछो। बोले ये मतलब बाकी लोग तो जा ही रहे तुम्हारे पास, ये मेरा क्या होगा? ए तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अगले 10 लाख जन्म तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। बोले ऐसा मैंने क्या किया? बोले देखो ऐसा है, क्योंकि ये तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, इसलिए अगर ये शुद्ध ना भी हो तो भी इन्हें मुझे ले जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरा डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ले जाऊंगा नहीं ले जाऊंगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बोले कोई मेरे सेवकों का सेवक है तो वो मेरा भक्त है, जो मेरा डायरेक्ट सेवक है उसका कोई गारंटी नहीं। तो वो भी उस प्रकार के भक्त थे। तो बोले सुनो भगवान, बहुत हो गया तुम्हारा डायलॉग बाजी, ये तुम्हारा चामर पकड़ो, ये तुम्हारा कपड़ा पकड़ो, ये तुम्हारा चंदन पकड़ो, खुद लगा लेना, मैं जा रहा हूं। वो चले गए। बोले जब यहां मुक्ति मिलना ही नहीं है तो हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? तो एक भक्त के घर जाऊंगा, वहां उसके अंडर सेवा करूंगा, तब तो ले जाओगे ना। चले गए। अच्छा इनका प्रॉब्लम था कि ये बहुत विख्यात ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एक्चुअली वो ब्राह्मण नहीं थे, वो शूद्र जाति से थे, लेकिन सेवा करते थे, वैष्णव थे ना, तो वैष्णव में जाति पाति नहीं होता। तो वो चले गए, बोले मैं दूसरे अच्छे भक्त के अंदर काम करूंगा। तो उस भक्त के घर गए, तो भक्त कहीं बाहर गया था प्रचार के लिए, तो उनकी माताजी को बोला, माताजी ऐसा है, माताजी नहीं पहचानते थे बड़ा भक्त है। बोले माताजी ऐसा है, हम गरीब हैं, हमको खाने वाने कुछ नहीं है, कोई सेवा दे दीजिए, हम आपके घर पे झाड़ू पोछा जो है कर देंगे, बस हमको एक मौका दीजिए। तो बोले हम पगार नहीं दे सकते। बोले ना ना ना, जो रोटी अचार बचेगा दे दीजिएगा, हम उतने खा के जी लेंगे। अब किसी लेडी को ऐसा नौकर मिल जाए तो 100 नौकर रख ले, एक ही साड़ी 4 बार धुलवा लेगी वो। तो बोले ऐसा करिए, आप गौशाला में जाके रुकिए, आप गौशाला में गाय संभालिए, हम आपको दिन में 2 बार खाना देंगे बस, और कुछ नहीं। ये गया, गाय को इतना अच्छा सेवा कर रहे थे, रोज नहला रहे थे, उनको घास खिला के लाना, दूध निकालना, और गाय खुश हो गए ना, उनका सेवा बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत खुश थे। तो ये प्रचारक लौट के आए 2-3 महीने बाद, क्योंकि पहले बाइक नहीं था ना, प्रचार को गया तो 6 महीने बाद ही लौटता था। तो लौट के आए, बोले अरे अपनी गाय इतने सुंदर हो गए, क्या हो गया? बोले हाँ एक नौकर आया है, फ्री में काम कर रहे तो क्या दिक्कत है। अब ये वैष्णव थे तो बोले अरे हमारे यहाँ कोई नौकर भी आए तो उसको सम्मान करना चाहिए।
वो देखने गए तो गौशाला में देखे, बोले रे ये कौन है, और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए थे, बोले रे कहीं तू देखा है, तो ना मैं तो भिकर आ गया, वो कुछ बोले नहीं, बोला अरे कांजीगुड़ तू, अरे वो अपने बीवी बोलते तू पागल है, तू किससे सेवा ले रही है, अरे रामानुज का गुरु है। वो रोने लग गए, बोलते तुम मेरे घर में सेवा कैसे कर रहे हो, तुम्हारा मैंने सेवा करना चाहिए। तो बोलते देखा बहुत हो गया, वो वरदराज बोला मेरे को लेगा नहीं तो मैं इधर आ गया, अब इधर तो रहने दे मेरे को। तो बोले ऐसा है तो चलो, वो भी उस लेवल के ड्यूटी थे, वो वरदराज जी को बोले ये क्या है, इसको ऐसे क्यों निकाला, बोले नहीं नहीं मैं थोड़े चेक कर रहा था कि इसका सेवा भाव ठीक है कि नहीं। तो भगवान कैसे हैं, आप भगवान के आगे आगे चले जाओगे, लेकिन भगवान ने भी तो आपको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहिए कि कौन है जो इतना प्यार से सेवा कर रहा है। तो ये वो वैकुंठ जगत है जहां पे सब कुछ है ना, और उसका प्रतिरूप वृंदावन है। आप वृंदावन जाते हैं तो प्रतिरूप है उसका। और दूसरा जगत है भौतिक जगत, जिसको स्वयं विष्णु बनाते हैं। आप ये ब्रह्मांड देख रहे हैं गोल गोल, तो इसका गणित है जो मैं कल एक बुक लिखा हूं तो आपको लेके आऊंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर हम लोग रहते हैं। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का आयु होता है 100 साल। आप उस ब्रह्मा का 100 साल है, लेकिन हमारा सा कितना साल होता है मालूम है, 3110000000000000 साल। इंग्लिश में 311 trillion 40 billion years। हमारा इतना साल गुजरेगा तब वो ब्रह्मा चेंज। अब वो ब्रह्मा जी के लिए वो 100 ही साल है, जैसे हम लोग 100 साल जीते हैं, वैसे वो ब्रह्मा जी के लिए भी नॉर्मल 100 साल है। देवता लोग हमारा पूरा 1 साल, उनका केवल 24 घंटा रहते हैं, हमारा 6 महीना उनका 12 घंटा, अगला 6 महीना उनका। इसलिए बोलते हैं ना हम लोग देवता, देवशयन एकादशी, विष्णु सोते हैं ना वो 4 महीना में, चातुर्मास में। लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रार्थना करो तो जाग भी जाएंगे। तो एनीवेज ये मैं एक आज का टॉपिक नहीं है, वो टाइम कम था। तो ये एक छोटा सा विषय है जो मैं उसमें आपको ऐड करना चाहूंगा कि धर्म में विविध प्रकार के उद्देश्य, मतलब हम लोग क्या करते हैं आजकल वैदिक समाज में, या हिंदू पद्धति या वैदिक पद्धति को लेके चलने वाले, गीता या रामायण या महाभारत के पुराणों के आधार पर जीने वाले लोग हैं, एक त्रुटि हम सब में आ गई है। हम सब उद्देश्य को छोड़ के उसके रूप में आसक्त हो चुके हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूं, अब ये वाक्य का मैं थोड़ा एनालिसिस बताता हूं आपको। जैसे गणपति के पूजा में हम लोग गणपति मनाते हैं, बराबर, बोलो गणपति बप्पा बोरिया, गणेश जी का पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, उनको मोदक पसंद है, मोदक बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। रात में हम लोग क्या करते हैं, जागरण करते हैं। ये जागरण क्यों होता है जानते हैं आप, ताकि आप रात को गणेश जी का गुणगान कर पाए, या दुर्गा जो होता है तो दुर्गा जी का गुणगान कर पाए। तो हम लोग जागरण करना है इसलिए करते हैं, अब जागना है तो खैनी खा लेते हैं। तो गणेश मोदक पड़ ले खा ली, गणेश जी बोलते यार कैसा आदमी है, आपको कोई घर पे बुलाए, आपको कोई घर पे बुलाए और आपको ध्यान ना दे, आपको कैसा लगेगा। आपको घर पे बुलाए, अरे आप खाने को आओ, ईश्वर को बुलाए, ईश्वर तू खाने को आ मेरे घर पे, और उसको घर पे बुलाए खुश, आप देख रहे कुछ तो मिलेगा, आप देख रहे सब अपने काम में, उसको कैसा लगेगा। और आपने दरवाजा लॉक कर दिए, अब जा भी नहीं सकते, बुला लिया है ना। गणेश जी बैठ के बोलते यार मैं किस किस को मारू, जागरण में पत्ते खेलते हैं। दस बीस तीस लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं गणेश जी के सामने। अच्छा ठीक है, वो हुआ, वो तो हुआ। विदाई भी एक होता है ना, पुढ़चे वर्षी लवकर आंखों से आंसू आना चाहिए, आपसे प्रेम हो गया, आप जा रहे हैं, उसमें भी ब्राजील, अब मेरे गणेश जी का ब्राजील से क्या लेना देना है, कम से कम ब्राजील का लोग गणपति उत्सव मनाता और ब्राजील लगाता तो बात भी समझ में आता है। हाँ
वो शकीरा वकीरा मनाती अक्का वक्का डुक्का बोक्का कुछ तो बोलती तो ठीक था। अब ये बेचारा इंडियन लोगों को क्या लेना देना है बताओ मुझे। तो हमने क्या कर दिया है, धर्म का मूल उद्देश्य को छोड़ के उसके रूप को रंग बिरंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमको असली धर्म का आनंद ठीक से नहीं आ रहा है। तो असली धर्म का अगर आनंद आपको लेना है तो आपको ओरिजिनल धर्म करना होगा, समझ रहे, ओरिजिनल। लाइक आप गले में बेंटेक्स का चेन पहनेंगे तो आनंद आएगा क्या? दूसरों को उल्लू बना सकते हैं, देखिए ना भाई ने दिया है चुप 20 तोला। लेकिन वहां कोई तो मारवाड़ी रहेगा ज्वेलर्स वाला, बोले हे बेंटेक्स से। लेकिन ओरिजिनल सोना 1 तोला भी पहना तो एकदम चमक, अंगूठे तो 10 बार। गांव में ना, गांव में क्या होता है, लोग ज्यादा अंगूठे अंगूठे दिखाते नहीं, तो जब आप उनको खाना परोसते हैं ना तब वो दिखाते हैं, आ बस बच्चा बस बस आ बस आ बस। नहीं तो लेडीज लोग जनरली पहनते हैं, लेकिन शादी में जाएंगे ना तो इधर से लेके इधर 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 सब जगह, नहीं हुआ तो नाक के बीच में था पहन लेंगे। और फिर कोई पूछेगा इतना सोना, हाँ मेरा बेटा यूएस में है ना वो भेजता है, मैं तो पहनती नहीं, ये तो मतलब 2% है, बाकी तो लॉकर में रखा है। और शादी में एकदम ऐसा। तो हम लोग धर्म का रूप सजाने में लग गए हैं, धर्म का पालन करना भूल गए हैं। और यहां देखिए एक चीज लिखा है इस पर्दे पे, क्या लिखा है पर्दा, ये वाला, जोर से पढ़िए, केवल हरि नाम और हरि नाम ही है। मैंने आपको बोला ना हमारे भक्त बहुत खुश रहते हैं, उसका कारण क्या है जानते हैं, वो सभी हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नारद मुनि ने जाके ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी कलयुग में क्या होगा, सब टपोरी होने वाले, इनका कोई मतलब, ये लोग ऐसे होंगे कि कल क्या क्या भूल जाएंगे दूसरे दिन, ये लोग खुद का नाम तक भूल जाएंगे कभी कभी, तो इन लोगों कैसे उद्धार होगा, ये लोग तो यज्ञ नहीं कर सकते। पहले सतयुग में यज्ञ हुआ करता था, सतयुग में तो ध्यान करते थे लोग एकदम बैठ के एकदम ऐसे, अब तो पेटी इतना बड़ा हो गया वही अंदर नहीं जाते, अगर वो अंदर गया तो आवाज आता टों करते, ध्यान करते आप भी रो, ऐसा ऐसा किया तो नाक से वो आता है, फिर रुमाल लेके, ये हमारा हालत है, हम लोग क्या ध्यान करेगा। अच्छा त्रेता में यज्ञ बोला है, स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ओम स्वाहा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है ओरिजिनल घी किधर है, अब वो पतंजलि वाले दे रहे, पता नहीं कितना कितना दे रहे, कहां से दे रहे, ठीक है लेकिन वो दे रहे, इतना घी आप यज्ञ में डालेंगे तो आप क्या खाएंगे, घी देखने को नहीं मिल रहा, आप यज्ञ में क्या डालिएगा। अरे देख इधर ब्राह्मण तो कोई और काम में लगा हुआ है, वो यज्ञ कब करेगा, फिर भी लोग जबरदस्ती किसी ब्राह्मण को कहते हैं अच्छा ब्राह्मण जात से है ना तो बैठ जाइए, वो भी अपना डेरी वेरी बैठा के उस दिन के लिए झब्बा कुर्ता पहन के बैठ जाते हैं, आज ब्राह्मण भोजन है। उससे अच्छा है ब्राह्मण बनिए। हम लोग बहुत जल्दी एक गुरुकुल खोल रहे हैं रांची में, आप लोग आइए, वहाँ आप सबको जिस वर्ण में आप रहना चाहते हैं उस वर्ण का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और आप पूरे देश विदेश में जाके उसका प्रचार कर सकते हैं, और उसका वो कर सकते हैं, आप ब्राह्मण बन सकते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र सीख सकते हैं, आप आयुर्वेद शास्त्र सीख सकते हैं, आपको मेडिकल डॉक्टर बनने की कोई जरूरत है ही नहीं, हम आपको नाड़ी परीक्षण सिखाएंगे, सिर्फ हाथ लगा के आप सबको दवाई दे सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है बड़ा 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 इंजेक्शन लेके मारने का, कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे दवाई है जो आपको पैसा भी नहीं लगेगा, आपको वेद सिखाएंगे पाठ सिखाएंगे, आप लोग जाके कथा कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, बहुत जल्दी जुलाई में चालू होगा, तो आप लोग आइएगा जरूर रांची में, स्वागत है आप सबका, वो हमारा इलाका होगा तो आप सबका स्वागत है वहाँ पर। अभी मैंने 25 एकड़ जमीन ली है, उसको मैंने काम चालू कर दिया है, और मट्टी का बना रहा हूँ सब, सीमेंट कॉन्क्रीट नको बाबा,
मट्टी, एसी, कूल कूल, शांति। तो गोबर लगाओ, रिलैक्स। आपको मालूम है ना, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, 36,000 लोग मरे थे। कितने? सिर्फ वो लोग बचे थे जिनके घर को गोबर से निपोता था, बाकी सब मर गए। इतना ताकत है माँ गो माता के गोबर में तक, सोचो। नेचुरल रहो, सुखी रहेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि जब तक हम हरि नाम नहीं लेंगे, तो मैं नारद मुनि की बात कर रहा था, नारद मुनि बोले ये कलयुग के लोग हैं, न ये ध्यान करेंगे, न ये यज्ञ करेंगे, न ये ठीक से मूर्ति पूजा करवाएंगे, इनका क्या उद्धार का मार्ग है ब्रह्मा जी, आप बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, इति षोडशक नाम्नाम् कलिकल्मष नाशनम् नान्यत् परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये जो 16 अक्षरी मंत्र है, 32 अक्षरी और 16 शब्दों का जो मंत्र है, ये ही कलयुग के उद्धार का महामंत्र है, और केवल पूरे वेदों को पढ़ लो, इसके अलावा तुम्हें और कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। इसलिए कलयुग के लोगों को ब्रह्मा जी का आदेश है कि हमको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसका स्वभाव देखिए क्या है, ये जो मंत्र है इसका स्वभाव क्या है। आपने लोचुंबक देखा है, लोचुंबक, हिंदी में उसको लोचुंबक बोलते हैं, मराठी में लोचुंबक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चुंबक, नॉर्मल चुंबक, अलोहा होता है, वो दूर रहते हैं तो ठीक है, जो ही वो धीरे धीरे नजदीक आते तो क्या होने लगता है, करके वो चिपक जाते हैं। वैसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है, भगवान और जीव का संबंध है, वो जो ही वो भगवान का नाम लेने लगता है उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, वो कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्न परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कहते हैं ये श्री कृष्ण संकीर्तन इतना सुंदर है कि इसको उच्चार करते ही आपका हृदय स्वच्छ हो जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कांच साफ करके जाते हैं, आईना साफ कर देते हैं, धूल लगा है, वैसे हमारे हृदय में बहुत सारा धूल लगा है, इच्छाओं का धूल लगा हुआ है जो जरूरी नहीं है। अर्थ मतलब वैल्यूएबल, अनर्थ मतलब जिसका कोई कीमत नहीं है। हम लोग जो कीमत वाले चीजें नहीं उसको पकड़ के बैठे हैं। एक हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे एक सिंहगढ़ कॉलेज में, तो एक रास्ता जाता था स्वारगेट से सिंहगढ़, उसके बीच में एक औरत बैठती थी, तभी रास्ता छोटा था तो हाईवे हो गया, छोटा रास्ता था तो उसमें ना एक औरत बैठी रहती थी, और उसको ये झोला वो झोला इतना सामान, उसका कचरे का सामान पूरा रखा रहता था, और बीच में बैठी रहती थी गंदे कपड़े लेके। पुलिस अगर कोई बीच में आएगा तो पत्थर से मारती थी, तो पुलिस लोग नहीं हिलाते थे, गाड़ी वाले भी दोनों गाड़ियां रुक के ऐसे जाते थे आराम से, उसको कोई धक्का नहीं देता था, नहीं तो कांच पत्थर फोड़ती थी, कांच फोड़ती थी। तो जब उसको एक बार बड़ा रास्ता बनने का ऑर्डर आया तो उसको पुलिस ने घर बना के दिया साइड में, कि तेरे को यहाँ घर बना दिया, उसका कुटिया बना दिया, टॉयलेट बाथरूम तक बना दिया, ताकि उस बुढ़िया को वहां से वहां उठा के ले जाए। और जब उसको ले जा रहे थे वो उसको लग लेडीज पुलिस से हाथ बांध के ले गए थे, चिल्ला रही हूं, उससे उस घर में जाते तक उसका प्राण छूट गया। मतलब वो कचरे से इतना आसक्त थी, सोचिए। यही हमारा हालत है, हम लोग भी एक घर बना लेते हैं, मेरा नाता मेरा पोता मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बेबी
बीवी बोलता है मेरा बूढ़ा, हाँ बूढ़ा बोलता है एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, आई लव यू, हमने साल साथ साथ 50-60 साल बिताए, तूने मुझे तंग किया, मैंने तुझे तंग किया, फिर भी आई लव यू, यू तूने बहुत अच्छे से तंग किया, अगले जन्म मत मिलना। तो हम लोग आसक्त हो जाते हैं और जब छोड़ने की बारी आती है मृत्यु के समय तो डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे मेरे प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी। तो मृत्यु के समय यमदूत बोलते हैं, मूर्ख ये भाड़े का था, ये तेरा थोड़ी था, ये प्रकृति किसकी है, तो तू कब मालिक हो गया, फालतू में आके मालिक बन रहा है। 11 महीना का बॉन्ड था, 12वां महीना रहके ओनर बनना चाहता रे तू, भगवान 11 महीने में एक दिन पहले ही निकाल देते, चल टाइम खत्म, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चा कहीं करो, चल अब बचपन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छटका एप्पल और डी फॉर दोसर का एप्पल। तो ये जब तक हरिनाम नहीं लेंगे हमको सुंदरता नहीं आएगी, और हरिनाम लेंगे मन सरल होगा तो आपका चेहरा भी सरल हो जाएगा। देखिए जो लोग बहुत द्वेष करते हैं ना, उनका चेहरे से आप समझ सकते हैं बहुत द्वेष करते हैं, कैसे पता चलता है, इसको फेस रीडिंग बोलते हैं। उनका देखिए ऐसा रहता है, कुछ भी बोले ना, कैसे हैं, ठीक है, कैसे चल रहा है। लेकिन जो निर्मल होते हैं ना, आपने देखा मोटे लोग बहुत निर्मल होते हैं, उनको कुछ ही बोलता ऐसा बोल, उनको हॉरर मूवी दिखाए तो भी हंसते रहते हो, उनको भूत आ गया ना उनको भूत से भी डर नहीं लगता, भूत को उनसे डर लगता, बोले अरे मेरा मजाक कर देगा, निर्मल। तो जितना हमारा मन निर्मल होगा उतने हम सुखी होते रहेंगे, जितना हम भगवान से अपना लगाव रखेंगे उतना आत्मा को शांति प्राप्त होगा, और उसके लिए यह साधना है। क्या साधना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अचल गोविंद ने माला लाया है क्या यहाँ पे बांटने के लिए, कल आ जाएगा आप लोगों के लिए माला, तो आप लोग माला कर से लाया है क्या, ठीक कल लाएंगे, मैं ले आऊंगा जूर से, मेरी तरफ से माला सबके लिए। क्या दो दिन में मेरे बहुत सारे बुक गए, कल रोटरी में प्रोग्राम था और आज बॉम्बे में प्रोग्राम था ना, तो बुक गए, थोड़ा पैसा है तो बांट देते, पैसा रहेगा फिर पाप करने का मन करेगा, उसे ज्यादा खाली रहने का, साधु ने भिखारी रहना चाहिए, बहता सा बहता पानी फिरता साधु, हमेशा निर्मल रहता है। आज जो साधु अपना मठ बना के बैठ गया तो समझ लो वो तो ये तरीका है पकड़ने का, जो साधु बहुत मठ में मेरा मठ है मेरा मेरा तो समझ जाने का, वो गृहस्थी है, वो सन्यासी नहीं है। साधु मतलब घर घर जाएगा, प्रचार करेगा, सबको ज्ञान देगा, निकल जाएगा, प्राण छूटा भगवान के धाम, खेल खत्म। क्रिकेट मैच में अब सचिन का टाइम हो गया तो बैट लेके चला गया, उधर ही बैठा रहेगा क्या, भाई माना तो अच्छा खेलते, एक टाइम के बाद निकल जा, सबका अपना टाइम रहता है। तो साधु को भी क्या है, ज्ञान दे देना चाहिए, आशीर्वाद दे के, भगवान से आशीर्वाद लेके उनको दे के निकल जाना चाहिए। तो चलो मेरी तरफ से कल सबके लिए माला, माला लेकिन सब करेंगे ना, तो आज सबको, आप सबको हम लोग सिर्फ 3 मिनट के लिए माला करेंगे, वैसे उस माला को करने के लिए 7 मिनट लगते हैं, हम लोग 3 मिनट करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके कितना हो गया 20 और 21, ऐसा हम लोग 21 बार मंत्र बोलेंगे साथ में। तो सब लोग एकदम ऐसा स्ट्रेट बैठ जाइए, ठीक है ना, इधर उधर खुजली हो रही तो पहले खुजला लीजिए, जो है ये नहीं कि माला करते करते, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, स्ट्रेट, और आंख बंद करना है, क्योंकि आंख खोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि मेरा आंख खुला है, तो आप लोग आंख बंद करो, एकदम आंख बंद करो, कोई बटुआ नहीं चोरी करेगा, ठीक है, एकदम आंख बंद करो, आंख बंद करो और ये मुद्रा में बैठो, देखो ये मुद्रा, ये दिख रहा है आपको, ये वेरी गुड वाला, ऐसे बैठ जाइए, और अब ये इसको रखिए ऐसे, और इसको यहां से गिनती करना है, ठीक है ना, एक बार पूरा मंत्र बोलेंगे तो ये एक हुआ, फिर दूसरी बार में दूसरा, ठीक है,
तो मैं यहां ऐसा दिखाता हूं पहले ताकि आपको समझो, और 21 बार बोलेंगे सब लोग मंत्र को ऐसे उच्चार कर रहे हैं कि आप भगवान को पुकार रहे हैं। याद रखिए यह मंत्र कोई कर्मकांडी मंत्र नहीं है जो बोल दिया और कल फल आ गया। ये मंत्र हृदय शुद्ध है। जैसे हम लोग दांत घिसते तो कैसे घिसते हैं, ये नहीं कि ये है नहीं, उसको पद्धति है। पहले ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर कुल्ला करिए। तो मंत्र भी ऐसे बोलना है कि वो आपको सुनाई दे। मंत्र सुनना है और हृदय तक पहुंचे, ठीक है ना। तो इसलिए मन में अनेक विचार आएंगे अभी बहुत। देखिए आप कितना मन में विचार आएगा, छोड़ दीजिए उसको, बोले बेटा शांत, अभी केवल जप। मेरे मन क्या करना है तुमको, चौप और केवल जप करना है। तो आप सब लोग ऐसे सीधे बैठ जाइए, हाथ ऐसा कर दीजिए और ये उंगली यहां रखिए। प्रभु जी लगता है आपका कैमरा से फोटो भी खींच लेंगे तो पता चलेगा किसने किसने माला लिया नहीं किया, ठीक है। और अब हम लोग साथ में जप करेंगे। जप करने से पहले जस्ट मैं गुरु प्रणाम मंत्र बोलता हूँ जो आप लोग को मालूम होगा नहीं होगा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अब मेरे साथ साथ आपको बोलना है, जिस तेजी से मैं बोलूंगा उसी तेजी से आप बोलिए, क्योंकि मैं एक स्पीड लेके चलूंगा उसी स्पीड में आपको बोलना है, ठीक है ना। और साथ में मंत्र बोलना है, पूरा मंत्र आपको कहाँ है लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको सबको रटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो गया ना 21, सबके 21 तक हो गया था, बहुत अच्छा। कैसे लगा सोचिए, यही जब आप पूरा माला करेंगे 108 वो माला में आएगा, हम कल माला देंगे आप सबको। तो आप में से कितने लोग माला करेंगे रोज, हाथ ऊपर करिए, वाह जोरदार ताली इन सबको। वो सब लोग हाथ ऊपर करिए, प्रोजेक्ट फोटो खींचेंगे लगता है, कौन कौन हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करिए। हरी बोल, प्रभु जी का एक कैमरा में फिट ही नहीं हो रहा है, लेफ्ट राइट लेना पड़ रहा है। तो कल सबके लिए माला होगा, और तो ऐसा है आज की कथा के लिए। अचल गोविंदपुर कहाँ है, 9:30 हो गया, अचल गोविंद। तो ऐसा है कि कल हम लोग ये श्लोक जो था ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि वो पेड़ के बारे में बताया जो आपको वो था, तो इसलिए और एक श्लोक पढ़ के उसको हम लोग समाप्त करेंगे। अगला श्लोक जो है वो कल लेंगे,
न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। वो कह रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओरिजिनल जो है आपको इस जगत में नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसा स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ से उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि आपको किससे जुड़ना चाहिए, भगवान से जीव को जुड़ जाना चाहिए और इस प्रकृति के आसक्ति को एक ही साथ काट देना चाहिए। कई बार घर नहीं छूटता लोगों को, लेकिन जब पत्नी से लड़ाई होता है ना तो बोलते हैं अब मैं संन्यास ले रहा हूं। बीबी को ब्लैकमेल करने के लिए बोल देते हैं अब मैं संन्यास ले रहा हूं। बीबी को मालूम है, ऐसे सब बोलते वापिस आते हैं। खाने को किधर मिलता है, घर पर ही मिलता है, चुपचाप आता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तोड़ना है तो संन्यास नहीं लेना होगा, आपको आसक्ति छोड़ना होगा। लाल कपड़ा पहन के क्या फायदा है, वो तो आपका जो रास्ते में रेलवे मोटर रिपेयर करते हो भी लाल पहनते तो सन्यासी थोड़ी हो जाते। तो संन्यास का मतलब है जब आप सब कुछ मोह त्याग दीजिएगा और फिर भी संसार में रहिएगा तब आप असली भक्त कहलाइएगा। तो आप सब में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज का हम लोग यही श्लोक लिए हैं, मेरे को लगता है श्लोक नंबर 4 तक लिए हैं, कल 5 से चालू करेंगे। किसी का कोई सवाल, माइक दे दीजिए ताकि लोग पूछ पाएं। बिंदास पूछे कोई दिक्कत नहीं है, जो आज का कथा में है या आध्यात्मिक चीज़ों से जिसका ताल्लुक है वैसे कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। पूछिए बिंदास पूछिए। किसी को कोई सवाल नहीं, अचल गोविंद प्रभु माइक आ रहा है, हाँ माइक दीजिए अचल गोविंद प्रभु। एक मिनट बस। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। मेरा दोस्त है साइंस, उसका सवाल तुम पूछने वाले क्या? वो पूछ ही नहीं रहा है, मतलब वो डरपोक है क्या? कल मुझसे पूछा था उसने, तो पूछो। तो आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो उसने पूछा था कि गीता में, भगवत गीता में 18 अध्याय ही क्यों भगवान ने सुना? 18 अध्याय क्यों होते हैं, वो इसका कुछ लॉजिक है क्या? नहीं, अच्छा मैंने यहाँ कितना घंटा क्लास दिया, 1.5 घंटा दिया, ठीक है, लेकिन मैंने 2 घंटा भी दिया तो कोई रोक सकता है क्या? अच्छा मैंने आधा ही घंटा दिया तो कोई रोक सकता है? मेरे को लगा आज के लिए इतना काफी है तो मैं रुक गया। भगवान ने सब ज्ञान दे दिया, भगवान बोले हो गया मेरा, अब यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन बोला नहीं नहीं अब मेरे को समझ में आया, करिष्ये वचनं तव, मैं जो आप बोलेंगे वही करूंगा, हो गया खत्म। दोनों का इसका सवाल था, इन्होंने जवाब दे दिया, हो गया। अब उसको व्यासदेव ने 18 अध्याय में तोड़ा, वो व्यासदेव ने तोड़ा, भगवान ने बोलते नहीं बोला अर्जुन 1 अध्याय, भगवान बोलते गए, ये अर्जुन ने पूछा और भगवान ने बोला, वो गीता हो गया। ध्यान से देखिएगा तो 1 अध्याय का, ये 1 श्लोक से लेके 27 श्लोक का गीता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बोलते ना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कह पांडव शैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बीच में किधर से आ गया? लेकिन धृतराष्ट्र के इस सवाल के बाद ही गीता का प्रारंभ हुआ, तो इसलिए उसको भी ऐड कर दिया गया है। अब दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य से बात कर रहे हो तो महाभारत का भाग है, लेकिन उसके इस बोलने के पीछे ही अर्जुन का व्यथा शुरू हो रहा है, इसलिए उसको भी गीता में ऐड कर दिया। असली गीता तब चालू होता है जब 28वें श्लोक से अर्जुन हताश होके बोलता है वे पतुश्च शरीरे में, मेरे का जो हरी शरीर क्या हो रहा है, हिल रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है,
मैं पसीना छूट रहा, मेरे को युद्ध नहीं करना है, तब भगवान चालू करते हैं, बोलते क्लेब्यम मांसमगम अपार्थ, तू तो छक्का है रे, भगवान बोलते दूसरे अध्याय में, मैं नहीं बोल रहा, क्लेब्यम है अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अरे अशोचानन्व शोचस्तम, अरे ऐसे तो कोई आदमी नॉर्मल आदमी भी नहीं सोचता, और तू पंडित की बातें कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा। पहले अध्याय में बहुत बोला ना अर्जुन, मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा ना, फिर यहाँ चुप, डरपोक, कहां से आ गए तेरे इसमें, कहां से ये डर भर गए तेरे हृदय में कि मैं इनको मारूंगा तो लथपथ हो जाएंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, फिर उनके उससे मैं राज करके क्या फायदा, किम नो राज्य न गोविंद, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य जो लोगों के खून से सना हो, ये अच्छा लगता है। तब भगवान ने बोला, अर्जुन बोला कि भगवान मैं संन्यास ले लेता हूँ, मेरे को छोड़ दो, तो भगवान बोले फिर तू क्या करेगा, बोला वो दासगर गुरु ने चैंटिंग सीखा है ना, वो जाके मैं हिमालय में करेगा। तो भगवान बोले अच्छा हिमालय में तू चैंटिंग करेगा, ठीक है, तू कमंडलू लेके बैठ जाएगा, ध्यान लगाएगा, ओम ध्यान लगाएगा, तो ये राज तो दुर्योधन को मिलेगा, दुर्योधन वापस द्रौपदी को लेगा, तेरे सामने आके उसको विवस्त्र करेगा, तू क्या करेगा उधर हिमालय में, बोला काट डालूंगा उसको। तो बोला वही तो बोल रहा हूँ, उधर जाके क्यों करेगा, इधर ही वो होने वाला, तू इधर ही कर दे। तो तेरे हृदय में अभी तक तो वो वैराग्य आया नहीं ना, तो काय को नकली सन्यासी बन रहे, सन्यासी हो गया तो फिर तेरा विरक्ति हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है ना तो तेरा कर्तव्य कर। नारियल होता है ना, नारियल वो हरा रहता है बाहर से, अंदर में कौटी, हल्का कौटी रहता है, और पहले शुरुआत में केवल पानी रहता है, धीरे धीरे वो पानी क्या बनता है, पल्प, पल्प बनता है, पल्प मतलब नरम नरम रहता है ना अंदर में, वो रहता है, फिर और थोड़ा छोड़ देगा पेड़ में तो क्या बनता है, प्रॉपर नारियल बनता है, फिर सूख जाता है, फिर भी छोड़ दिया और उसको हिलाए तो क्या होता है, अंदर में एक्चुअल नारियल पानी सूख के हो जाते हैं, छूट जाते हैं, देखा मुक्त हो जाते हैं। वैसे आप वर्णाश्रम में रहेंगे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, तो अपने आप सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन तू गृहस्थ होते हुए ये सन्यास की बात कर रहा है, तुझे शोभा नहीं देता, अरे तू क्षत्रिय है, खड़ा हो, गो हत्या और काट डाल, कोई पाप नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर कोई मुखे प्राणी का प्राण बचाए तो बड़े बड़े यज्ञ के बराबर है वो, इसलिए कोई गोरक्षक है गाय बचा रहा है, अरे मैं तो कहता हूं लाखों तो उसके चरणों में मैं गिर जाऊंगा, ये पावर है, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, पहला मैं गोरक्षा ही करेगा, पता नहीं मोदी साहब दूसरा काम क्यों कर रहे, पहला मेरे को नहीं मालूम, वट एवर, दम होना मांगता है, क्षत्रिय होना चाहिए कुछ, इसलिए राजा क्षत्रिय को बनाते थे, बनिया को नहीं बनाते थे, तो बनिया, वो बनिया को पैसा ही दिखता है, अमेरिका जाएगा पैसा, चाइना जाएगा पैसा, अरे इंडिया में रहेगा पैसा, अरे इधर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्राइम, न्याय व्यवस्था कुछ तो बदलो, यही भगवान बोल रहे थे, तू भी वही करने जा रहा है, तू क्या बोल रहा है, अहिंसावादी में अहिंसा बन गया, अरे इधर दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख रहा है, आप समझ ही रहे हैं, स्वच्छता अभियान, तो यहां पे आप दिखाने के लिए अहिंसा कर रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअल हिंसा कर रहे हो, किसी औरत को कोई हाथ लगा रहा है और वहां चुप खड़ा होना अच्छा है कि उसको मारना अच्छा है, कोई जरा बचाओ बचाओ, तुम्हारा कर्म है, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोलोगे आप, कोई तो मुझे बोला प्रभु जी कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, बोला कैसे अच्छा था, पूरे महाभारत में जब दुर्योधन जीत गया था द्रौपदी को, तो वो इतना ही बोला कि द्रौपदी मेरी दासी हुई, इतना ही बोला, वो कर्ण था जो बोला नहीं उसको बुलाओ और विवस्त्र करो, ये घटिया कर्ण था, इसलिए भगवान ने उसको दया नहीं दिखाया, जब वो अटक गया तो भगवान ने दया नहीं दिखाया, भगवान बोले मैं जानता हूं वो तू बोला था, तब कर्ण को भी बुरा लगा, अरे एक नॉर्मल आदमी भी ऐसा नहीं बोलता है अपने दुश्मन के बारे में, तो कर्ण इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी विद्वान और इतना बड़ा योद्धा होकर ये बोल रहा है, इसलिए वो क्षत्रिय के लायक नहीं था। और भगवान बोलते तू अर्जुन तू धर्मनिष्ठ है, तेरा भाई धर्मनिष्ठ है, तेरा परिवार धर्मनिष्ठ है, और तू कॉवर्ड की तरह भाग रहा है, न तेरे कर्तव्य से तू ठीक दिख रहा है, न तेरे कर्मों से ठीक दिख रहा है, और न भक्ति के दृष्टि से ठीक दिख रहा है। तो पूरा जब 18 अध्याय बता दिया, पूरा ज्ञान बताया, तब अर्जुन समझा, उस पूरे ज्ञान को 18 अध्याय में डिवाइड किया,
जैसे हम लोग भी नहीं पढ़ाई करते हैं, तो वो 108 एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन, हीलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, तो हम लोग कैसे रटते हैं उसको केमिस्ट्री में, हेलिगो बकनो एफनेना मगाल सिप्सकल है ना, अब हाँ, तो वैसे इन्होंने 18 दे कर दिया ताकि हम लोग समझ पाए। लाइक हम लोग कलिंगड़ खाते, खाते कि नहीं खाते, तो पूरा कलिंगड़ कैसा खाते, ऐसा खाते काटते तोड़ा तोड़ा नमक लगा के और पूरा खा जाते, खाते कि नहीं खाते। अगर आपको पूरा ज्ञान एक साथ दे दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बोलेंगे पहले अध्याय में ये लिखा है, हाँ हाँ बराबर याद आया, दूसरे अध्याय में लिखा है, हाँ हाँ याद आया, अरे वो गोलोक वृंदावन का बाद 15 अध्याय में लिखा है, हाँ अब याद आया, समझा ना, वो हम लोगों के लिए है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? हाँ वो बच्चा को देखो, उसको माइक दो, बच्चे को देखो, उधर सवाल है। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। मेरे एक दोस्त है पंकज नाम का, नाम ले लिया, वो मारेगा तेरे को। हाँ बोलो। वो मैंने बोला कि पूरी धरती भगवान ने बनाई, हाँ। तो उसने बोला मुझे इसका मतलब कि बैग भी भगवान ने बनाया, पूरा प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक भगवान ने ही बनाया, वो ऐसा क्यों बोलते? देखो पहली बात ये है कि प्लास्टिक है वो भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन प्लास्टिक बनाने का बुद्धि जिसको चाहिए था तो भगवान ने दे दिया। भगवान है ना, वो आत्माराम कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, वो इस परछाई वाले खेल में आपके साथ नहीं आते ज्यादा देर, लेकिन जब आप उनके पास जाने की बात करते हो तब आपको मदद करते हैं। इस संसार में तो बाकी कर्म है, आप नहीं समझे, जैसे आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, ये संसार का नियम है। तो भगवान प्लास्टिक नहीं बनाते, वो हम लोग प्लास्टिक बनाते, जैसे मैंने बोला ना हम लोग वायर लगा देते, वो कौन लगाते, हम लोग लगाते। भगवान ने तो खेत कलिया नहीं बनाए, कुत्ता क्या करता है मालूम है ना आपको, वो चार जगह सुसु करता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, अब बीच में बैठ जाते हैं, दूसरा कुत्ता अंदर आते ही उसको एक लाइन रहती है, उसको पता चलता है लाइन क्रॉस किया, तो कुत्ता अपना माइंड में लाइन बना लेते हैं। वैसे ही जितने भी देश है ना ये सब कुत्ते जैसे है, अपना अपना वायर लगा दिया, ये मेरा है, हम चपटे नाक वाले चाइनीज, ये हमारा देश है, हम बड़े नाक वाले भारतीय, ये हमारा देश है, हम बिना मूंछ वाले सिर्फ दाढ़ी वाले, ये हमारा पाकिस्तान है, हाँ हम ये काले काले एकदम ब्लैक डायमंड, हम लंका वाले, हम अफ्रीका वाले कुरकुरे बाल, हम लोग अफ्रीका वाले, नाइजीरिया वाले, and we the great Britain are there, yeah? तो तुम लोग ब्रिटेन वाले, तो अलग अलग कुत्ते होते हैं ना, एक एक वो कौन से नाम है मैं तो भूल भी गया, डॉबरमैन जो भी ऐसे वो वोडाफोन वाला कुत्ता, ऐसे सब अलग अलग दिखाई देते। तो हमने क्या किया, जाति पाति से तोड़ते गए, इतना तो इतना अपने देश को भी तोड़ दिया, इसको गुजराती बना दिया, इसको बिहारी बना दिया, इसको मारवाड़ी बना दिया, उसको साउथ इंडियन बना दिया, अपना अपना नारा चिल्ला रहे, अच्छा ठीक है अपना नारा चिल्ला रहे, अपने में भी भेद कर दिया कि ये कोकणी है तो ये मराठवाड़ा है तो ये विदर्भ है, उधर भी भेद कर दिया, कोकणी में भी ये रत्नागिरी है, रायगढ़ है, और ये ठाणा है, ठाणा में भी ये वाड़ा है, ये मीरा भाईंदर है, उधर भी लड़ो, उसमें भी ये मेरा नगर पालिका है, तेरा नगर पालिका है, उसमें भी ये तेरा टॉयलेट है, ये मेरा टॉयलेट है, क्या तू इधर नहीं जानेगा, सब जगह तोड़ तोड़ के अहम अमिति कर दिया। तो ये हमने किया, प्लास्टिक भी हमने बनाया है, आप देखिएगा जो मनुष्य ने जो जो निर्माण किया है ना वो घातक ही बना है, लेकिन भगवान ने जो निर्माण किया है वो बहुत अच्छा है। आप लॉन देखते ना, घास होता है, घास उसमें कितना अच्छा लगता है, और वो एक नकली घास का मैट्रेस आता है, देखा अपने घर पे लोग लगाते पांव पोछने के लिए, उस पे आप सो सकते। भगवान ने गुलाब का फूल बनाया, कितना अच्छा वास आता है उसको, उसको कान में भी लगा सकते, गजरे में लगा सकते, एक दिन अपने पानी में रख के उसको रख भी सकते। प्लास्टिक का फूल कैसे लगता है, किसी ने आपको दिया वैलेंटाइन डे के दिन, आपने जाके किसी लड़की को गुलाब का फूल दिया प्लास्टिक वाला, तो क्या होगा,
आई लव यू, और ये परमानेंट फूल। वो नाक में लगी तो हमने जो बनाया वो कोई काम का नहीं है। देखिए, भगवान ने हमको बनाया और हमने रोबोट बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? तो एक रोबोट आदमी का काम करता है कि नहीं करता है? लेकिन उसको भावना नहीं रहते। आप दो रोबोट को साथ में भी रखिएगा, वो तीसरा रोबोट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। लेकिन एक पुरुष स्त्री को शादी करा दियो, तीसरा रोबोट बाहर आ जाता है। तो ये भगवान का क्रिएशन है, लेकिन हमारे रोबोट वैसे नहीं है, वो बैठे रहेंगे। तो भगवान और हमारे क्रिएशन में फर्क है। हमारा खोपड़ी इधर से जो आता है उधर से निकलता है, और वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है। लेकिन भगवान जो बनाते हैं वो सबके हित के लिए करते हैं। भगवान सब जगह नदी फैलाते हैं, हम लोग उसका डैम बना के पानी ब्लॉक कर देते हैं, डेंजरस है। भगवान ने पेड़ बनाया, हम काट रहे हैं, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, फिर पानी पानी चिल्ला रहे, नाना पाटेकर भी चिल्लाना चालू हो गया। जबकि ये पूरे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा पानी सप्लाई होता है, सारा गांव का पानी तुम लोग डैम का पूरा यहां ले लेते हो, और फिर गांव में चिल्लाते हो पानी नहीं है। नाना खुद उस पानी से नहाता है, फिर अपना फाउंडेशन बना के वहां पानी पे भेज रहा है। उससे अच्छा सिटी बंद करो, अपना अपना गांव में रहो, मस्त खेती बाड़ी करो, खाओ पियो, राई के तेल से मालिश करो, मस्त उप्पा हुईया उपन हुईया बॉडी वॉडी बनाओ। आजकल बॉडी भी नहीं बना रहे लड़के, एकदम लड़के की तरह हो गए। भाई तू लड़का है कि लड़की है भाई? और लड़की एकदम मर्द की तरह, ए शोणियो, बोला यार कुछ तो शर्म कर भाई, तू लड़की है, कुछ तो हेलो हाय कुछ तो बोल। बहुत बड़ा दुख का बात है, हम लोग भगवान के प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वो समय दूर नहीं, 3 साल बाद बहुत कुछ लाइन में आएगा, 2019 नहीं 2022 के आसपास बहुत कुछ लाइन में आएगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? वो उस लड़के को पूछना है, नहीं शाइनिंग मारने के लिए हाथ ऊपर कर गया, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।